Hi guys, वेलकम to द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल Edge आफ्टर कॉलेज मैं हूँ मानसी और आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक क्विक रिविजन एक क्विक रिविजन ज्यूर स्टूडेंट्स का इसमें मैं बहुत डिटेल मैं आपको थ्योरीज नहीं समझाऊंगी हम सिर्फ क्विकली रिवाइज करेंगे कि कौन से स्कूल में कौन सा ज्यूरिस्ट फॉलो करता है ज्यूर स्टूडेंट्स के क्या डेफिनेशन है लॉ क्यों क्यों है ज्यूर स्टूडेंट्स हम क्यों पढ़ते हैं सिर्फ ये बेसिक बेसिक चीज़ें ऊपर ऊपर से हम देखेंगे किसी भी थ्योरी को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे और सिर्फ क्विकली एक अपना रिविजन कम्प्लीट करेंगे ज्यूर ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम बहुत छोटे से टाइम में बहुत अच्छे से कर सकें तो इसलिए हम बस एक क्विक रिविज़न करेंगे क्लास थोड़ी सी बोरिंग और मोनोटनस हो सकती है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरीज ओनली बट प्लीज़ बेयर विथ मी आई विल ट्राई टू पुट क्वेश्चन जैसा भी मुझे जहाँ भी लगेगा कि आई कैन पुट क्वेश्चन बट अदरवाइज इंट्रैक्शन क्लास में थोड़ा सा कम रहेगा आज और वन साइड डायलॉग ज़्यादा रहेगा गुड इवनिंग गायज और क्या हाँ बाकी ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो क्लाट पी जी की प्रेपरेशन कर रहे हैं जो यू जी सी नेट की प्रपरेशन कर रहे हैं जो किसी uh, ऐसे एग्जाम की प्रेपरेशन हैं जिसमें ज्यूरो स्टूडेंट एज अ सब्जेक्ट आता है वो सब इसको एज अ रिविजन कंसिडर कर सकते हैं ठीक है चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बीच बीच में ठीक है चलो सो so, स्टार्ट क्या है हमारा आज का टॉपिक ज्यूरो स्टूडेंट तो ज्यूरो स्टूडेंट्स में क्या क्या होता है हम कहाँ से शुरू करेंगे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है एक सेकेंड दीजिए ना मुझे राइट पहले हम डेफिनेशन देंगे देखेंगे बहुत सारे थ्योरिस्ट ने बहुत सारे ज्यूरिस्ट ने डेफिनेशन दिए हैं तो हम देखेंगे कुछ लोगों की डेफिनेशन जितनी हम याद रख सकें फिर हम देखेंगे कि लॉ क्या है ठीक है क्योंकि ज्यूरो का पर्पज क्या है लॉ से ही रिलेटेड है तो हम लॉ की डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और लीगल थ्योरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे जाएंगे तीन सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं हमारे कस्टम लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट्स तो हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे फिर हम फाइनली आएंगे हमारे स्कूल्स के ऊपर और फिर ज्यूरल कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यूरल कॉन्सेप्ट के ऊपर आके हम राइट्स एंड ड्यूटीज लीगल पर्सनैलिटी ओनरशिप और पजेशन uh, इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे ठीक है चलो ये था एक ब्रीफ ये एक स्कूल्स और उनके ज्यूरिस का एक चार्ट है इसपे हम आते हैं अभी पहले हम हमारे लॉ की डेफिनेशन जूर की डेफिनेशन वो सब कर ली फिर आई कम बैक टू दिस चार्ट ऑल्सो आज के दीज आर ऑल हैंड रिटन नोट्स आई होप आप सबको समझ में आए इसमें जो भी लिखा हो

डिवाइन एंड ह्यूमन इट इज अंस ऑफ राइट एंड रोंग क्या कहा उन्होंने ज्यूरिस है सिर्फ एक नॉलेज है उन चीजों की जो की डिवाइन है और उन चीजों की जो राइट right और रोंग के बीच में डिस्टिंगविश करते हैं डिवाइन है, है क्यों बोला डिवाइन इसलिए बोला क्योंकि हम बोलते हैं कि ज्यूरिस प्रूडेंस की शुरुआत लॉ मेकिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी अम्म गॉडमेड लॉ से जो रिलीजियस लॉ लॉज है उनके थ्रू हमारी लॉ मेकिंग की शुरुआत हुई थी इसलिए उसने क्या कहा कि जूरिस्प्रूडेंस है डिवाइन और जो ह्यूमन है उनके बारे में नॉलेज और और साइंस है राइट एंड रॉन्ग का ठीक है फिर पॉलिस की डेफिनेशन आई ये दोनों जो थे ये रोमन ज्यूरिस्ट थे और सबसे एंशियन ज्यूरिस्ट थे टू डिफाइन ज्यूरसप्रूडेंस ओके फिर पॉलिस की डेफिनेशन आई उन्होंने कहा कि लॉ इज नॉट बाउंड टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम रूल बट द रूल फ्रॉम लॉ हम लॉ को रूल में से नहीं ढूंढते हैं बल्कि पहले हम लॉ बनाते हैं और उस लॉ में से हम रूल को डिराइव करते हैं सो दिस इज वॉट पॉलिस फिर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है हमारी वो बेंथम की डेफिनेशन है बेंथम ने क्या कहा ज्यूरिस इज एन एनालिसिस ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉ एंड इट्स कॉन्सेप्ट क्या है एक एनालिसिस है लॉ का और उसके कॉन्सेप्ट का फिर ऑस्टिन ने बताया ऑस्टिन की बुक थी प्रोविंस ऑफ ज्यूरोपूडेंट ठीक है और इसने पॉजिटिव लॉ के बारे में बात करी थी और इसने जूर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करा और बोला एक होता है जनरल ज्यूरोपूडेंट और एक होता है पर्टिकुलर ज्यूरोस्टूडेंट जनरल ज्यूरोपूडेंट्स वो होता है जो ये बात करता है कि कोई भी जो कॉमन लॉ है जो हर कंपनी पर इक्वली हर कंट्री पर इक्वली एप्लीकेबल होता है उसके पीछे की जो थ्योरी है और उस लॉ को बनाने में जो सिंथेसिस लगा है उसको ऑस्टिन बोलता है कि वो जेनरल जूरिस है और पर्टिकुलर क्या है जो किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री की कंडीशंस और पर्टिकुलर कंट्री की एनवायरमेंट को देखते हुए हम जब किसी लॉ को क्रिएट करते हैं उसकी जो स्टडी है दैट इज पर्टिकुलर जूरिस अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन ओके फिर हम आते हैं हॉलैंड की डेफिनेशन पे हॉलैंड ने कहा कि इट इज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ एक्चुअल एग्जिस्टिंग लॉ एंड आइडियल लॉ के बीच में जो डिफरेंस है और जो हमारा फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है वही ज्यूरिस प्रूडेंस है यह हॉलैंड ने कहा फिर सालमेंट की बात करते हैं तो सालमेंट की एक बुक है सालमेंट ऑन ज्यूरसप्रूडेंस ही नाम है उस बुक का इट इज अ वेरी इजी नेम टू रिमेंबर उसने कहा कि ज्यूरिस प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ इन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सप्लेन करने का सब बेसिक बेसिक चीज़ें हैं तो सिर्फ मैं रीड करके फटाफट आगे बढ़ती ठीक है फिर हार्ट है? है कि हार्ट के लिए हमें चाहिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स तो लॉ इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स विच

ये हम बाद में जब स्कूल्स में प्रॉपरली थ्योरीज पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ेंगे अभी हम सिर्फ डेफिनेशंस देख रहे हैं क्विकली ठीक है कि किसने ज्यूरस की क्या डेफिनेशन दी थी फिर रॉस्को पाउंड ने बोला कि जूर एक साइंस ऑफ लॉ है ठीक है लॉ इन्फोर्स कौन करता है उसने कहा लॉ इनफोर्स करते हैं लॉ इज इन्फोर्स बाय पब्लिक और ट्राइब्यूनल्स क्या करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हैं पब्लिक जो होती है वो लॉ को फॉलो करती है वो लॉ को एन्फोर्स करती है और ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हैं जब पब्लिक लॉ इन्फोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो इस बेसिस पे उसने कहा कि को रिलेशन है बिटवीन ज्यूरसप्रूडेंस एंड सोशल साइंसिस क्योंकि सोसाइटी या पब्लिक के बिना जो लॉ है वो वर्क नहीं कर सकता देरफॉर देर इज़ अ को रिलेशनशिप बिटवीन जूरिस्प्रूडेंस एंड सोशल साइंसिस ठीक है फिर बस जूलियस स्टोन की छोड़ दो उसने बोला कि लॉयर्स एक्स्ट्रो वर्जन है जो लॉयर्स बोलते हैं या जो जजेस इंटरप्रेट करते हैं वही जूलियस प्रोडन से ये स्टोन ने बोला था अब डेफिनेशन ऑफ लॉ पे आते हैं क्या होता है लॉ कोई बताएगा क्या होता है लॉ पांच साल से हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है लॉ बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि लॉ क्या होता है ठीक है पांच साल से लॉ पढ़ा है ना सबने पांच साल तीन साल जो भी पढ़ा है टेल मी वॉट इज लॉ अकॉर्डिंग टू यू अकॉर्डिंग टू जीरो लॉ इज अल ग्रोज विद लॉ क्या है लॉ एक तरीके का साइंस है इवॉल्विंग एंड ग्रोइंग सोसाइटी जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है जैसे जैसे सोसाइटी ग्रो हो रही है इवॉल्व हो रही है वैसे वैसे ही लॉ इवॉल्व हो रहा है ठीक है फिर इसकी भी डेफिनेशन बहुत सारे लोगों ने दी कुलपियन ने बोला कि एक आर्ट ऑफ साइंस है जो कि इक्विटेबल है और गुड है सिसेरो ने बोला कि लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर हाईएस्ट रीजन है अगर लॉ नहीं होगा तो कोई रीजन नहीं होगा कोई भी किसी भी तरीके से एक्ट करेगा सो लॉ इज द हाईएस्ट रीजन ओके त्रिपाल इज से लॉज आर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट ऑफ रूल्स है लॉज ओके

अगर लॉ नहीं होगा तो देयर विल बी नो सर्टेनिटी एवरी वन विल डू दे फील लाइक एंड इट विल एक्चुअली लीड टू फिर सालमन ने कहा कि प्रिंसिपल्स जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करते हैं वो प्रिंसिपल्स या वो रूल्स जो डेफिनेशन आप लोग दे रहे हो ना वही डेफिनेशन सालमन ने दी थी कि कोई भी प्रिंसिपल्स या रूल्स जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस होता है वो लॉ है बट सैलम की जो डेफिनेशन थी उसको काफी क्रिटिसाइज करा था और बोला था कि ये काफी नैरो सिर्फ और सिर्फ जजमेट लॉ पे ही अप्लाई हो रही है या सिर्फ उसी लॉ पे अप्लाई हो रही है जो कि एक करेक्टिव इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाएगा बाकी जो दूसरे लॉज होते हैं उन पे अप्लाई नहीं हो रही है ठीक है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरह अगर हम देखें तो हमारी राइट्स कहाँ कवर होंगी हमारी ड्यूटीज कहाँ कवर होंगी अगर हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की नजर से लॉ को देखेंगे तो वेयर विल वी गो एंड सी का राइट राइट भी तो लॉ का ही पार्ट फॉर्म करती है ना इसलिए सिर्फ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ नहीं है लॉ इज मच अब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ओके ऑल राइट फिर ऑस्टिन की डेफिनेशन क्या ऑस्टिन की डेफिनेशन में ये था कि लॉ वो होता है जो सोवरेन कमांड ड्यूटी और सैंक्शन सोवरेन ने जो कमांड दिया वो लॉ है उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप ड्यूटी करोगे और ड्यूटी नहीं करोगे तो आपके ऊपर सैंक्शन। इम्पोज होगा दिस वॉज डेफिनेशन ऑफ लॉ फिर डुगेट ने डेफिनेशन दी लॉ की और उसने कहा कि लॉ इज अ सोशल फैक्ट लॉ क्या है एक सोशल फैक्ट है और इसने डुगिट ने ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करते हुए अपनी डेफिनेशन दी थी डुगिट ने क्या किया था ऑस्टिन का क्रिटिसिज्म दिया था ठीक है और उसने कहा कि सिर्फ सिर्फ उससे लॉ नहीं होता है सिर्फ सॉवरेन के बेसिस पे लॉ नहीं होता है एक्चुअली सॉवरेन जो है वो खुद लॉ से बाउंड है ियर टू लॉ एंड इज बाउंड बाय इट वैलिडिटी ऑफ लॉ इज थ्रू पॉप्युलर एक्सेप्टेंस डगेट का कहना है कि लॉ की वैलिडिटी कहाँ से आती है पॉप्युलर एक्सेप्टेंस से आती है एंड नॉट थ्रू द विल ऑफ सॉवरिन फिर पैटर्न आया पैटर्न ने कहा कि लॉ एक लीगल ऑर्डर है विच इज एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी अगर कम्युनिटी ने लॉ एक्सेप्ट कर लिया है किसी भी चीज को कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है तो डैट अल्टीमेटली बिकम्स लॉ इसी के बेसिस पे आते हैं हमारे कस्टम्स जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे जाते हैं तो ठीक है ठीक है अब भी सोर्सेज ऑफ लॉ पे हम जाएंगे आगे फिर जोरस प्रूडेंट जो है वो तीन काइंड की होती है एक होती है हमारी लीगल एक्सपोजिशन लीगल एक्सपोजिशन क्या होता है जो प्रेजेंट टाइम पे हमारा लॉ चल रहा है उस लॉ की स्टडी को हम कहते हैं लीगल एक्सपोजिशन फिर लीगल हिस्ट्री क्या होती है जो ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रही है कि जहाँ पे हम हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लॉ को स्टडी करते हैं या जो हिस्टोरिकल लॉस थे उनको स्टडी करते हैं दैट इज लीगल हिस्ट्री देन देर इज साइंस ऑफ लेजिस्लेशन साइंस ऑफ लेजिस्लेशन इज वॉट लॉ ऑट टू बी लॉ को क्या होना चाहिए जब हम वो पढ़ते हैं कि फ्यूचर में हमें लॉ कैसा बनाना है दैट इज कॉल्ड साइंस ऑफ लेजिस्लेशन अब ये लॉ ऑट टू बी एंड वॉट लॉ इज के बीच में डिफरेंस किसने बताया था और किसने कहा था कि लॉ इज सपोज टू बी बोथ वॉट लॉ इज एंड वॉट लॉ ऑट टू बी बताना मुझे चैट बॉक्स में तब तक हम सोर्सेज ऑफ लॉ पे पहुंचते हैं ठीक है सोर्सेज ऑफ लॉ बेसिक तीन होते हैं पहला होता है आपका कस्टम फिर होता है आपका लेजिस्लेशन और फिर होते हैं आपके प्रेसिडेंट्स ठीक है बट हम फिर भी पढ़ेंगे कि ऑस्टिन के हिसाब से क्या लॉ था मतलब क्या सोर्सेज कैसे होने चाहिए और सबकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन पढ़ते हुए फिर हम फाइनली सोर्सेज पे चलेंगे ऑस्टिन ने यही कहा था कि लॉ का सोर्स एक ही है ऑस्टिन के हिसाब से लॉ का एक ही सोर्स है जो कि है सॉवरेन सैविग्नी के हिसाब से सैविग्नी कौन से स्कूल को बिलोंग करता था हिस्टोरिकल स्कूल को हिस्टोरिकल स्कूल क्या बोलता है कि पहले से एक लॉ एग्जिस्ट करता है लोगों की विल के बेसिस पे एक लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ठीक um, है इसका आंसर मैं आपको दूंगी जब हम स्कूल ऑफ लॉ में पहुंचेंगे कि व्हाट लॉ इज एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी के बारे में किसने डिस्कशन किया था ठीक है अभी आई विल लेट यू गाइस स्टे इन द फॉर अ बिट ठीक है फिर सैविग्नी ने बोला कि लॉ का एक सोर्स है इज द स्पिरिट ऑफ द पीपल या फिर विल ऑफ 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 द द द पीपल पीपल जो है है या स्पिरिट दैट इज सोर्स लॉ अकॉर्डिंग टू सैविनी फिर थियोलॉजियर नेचुरल लॉ वाले जो थे हमारे उनके हिसाब से लॉ का क्या सोर्स है उनके हिसाब से गॉड या डिवाइन लॉ जो है डिविनिटी जो है दैट इज द सोर्स ऑफ लॉ फिर इसके बाद सैलम ने

लीगल क्या होता है ये वो अथॉरिटेटिव सोर्स जो होते हैं वो लीगल होते हैं जो डायरेक्टली और इमीडिएटली ऑपरेट करते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया किसी कोई पुराना जजमेंट है वो हो गया दैट इज अ लीगल मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ और हिस्टोरिकल क्या होते हैं ये अनऑथोरिटेटिव सोर्सेज होते हैं ये इमीडिएटली ऑपरेट नहीं करते इनडायरेक्टली ऑपरेट करते हैं अथॉरिटेटिव क्या अनऑथॉरिटेटिव सोर्सेज होते हैं मतलब ज्यूरिस्ट की राइटिंग्स हो गई और हमने कुछ ऐसे उठा के जिसके बेसिस पे जिस थ्योरी को पढ़ के हम लॉ बनाते हैं दैट इज ऑल्सो अ मटेरियल सोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सैलमेंट तो फॉर्मल सोर्सेस होते हैं मटेरियल सोर्सेज होते हैं मटेरियल सोर्स में दो होते हैं लीगल सोर्सेज और हिस्टोरिकल सोर्सेज ओके फिर फाइनली वॉट आर द एक्चुअल सोर्सेज ऑफ लॉ उस उसपे आते हैं हम एक्चुअल सोर्सेज क्या होते हैं एक होते हैं हमारे लीगली बाइंडिंग सोर्सेज जो होते हैं जो कि होते हैं कस्टम्स लेजिसलेशन और प्रेसिडेंट कस्टम्स में क्या क्या आता है कन्वेंशनल कस्टम जैसे कि यूजेज और लीगल कस्टम्स ठीक है फिर लेजिशन uh, में क्या आता है सुप्रीम लेजिसलेशन होते हैं या डेलीगेटेड और सबॉर्डिनेट लेजिसलेशन होते हैं और प्रेसिडेंट में तीन टाइप के होते हैं एक स्टेयर डे होता है एक रेशियो डेसिडेंट भी होता है और एक ऑबिटर डिप्टा होता है और बाकी हमारे परस्यूएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं, uh, हैं जिसमें वही सब है, आता है ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स वगैरह आता है दैट इज इजुएसिव सोर्सेज ऑफ लॉ ठीक है फिर कस्टम्स क्या होते हैं कस्टम्स बेसिकली फाउंडेशन होते हैं सारे लीगल सिस्टम्स के ग्रेजुअली कस्टम्स सोसाइटी से खत्म हो जाते हैं और कस्टम्स की जगह ले लेते हैं प्रॉपर लेजिसलेस कस्टम्स दो टाइप के हैं कन्वेंशनल कस्टम्स या ये जो होते हैं ये हमेशा एग्जिस्ट करते हैं और इनके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हुए हैं हमारे लॉज में जैसे कि सेक्शन 92 का जो प्रोविजन 5 है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो बोलता है इफ एनी वेरिएशन इज डन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट Then, और, या फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट इफ देर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज सब्जेक्ट टू द जेनरल कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी या जो कस्टम्स है सोसाइटी में उसके सब्जेक्ट है अग्रीमेंट या हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन टेन में भी सेम प्रोविज प्रोवाइडेड है की अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज एंटर कर रही है तो इट विल ऑलवेज भी सब्जेक्ट टू द जेनरल और लोकल कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ठीक है फिर होता है हमारा दूसरा जिसको हम कहते हैं लीगल कस्टम लीगल कस्टम क्या होता है एक जेनरल होता है जो जनरली किसी एरिया में कस्टम प्रिवेल करता है उसको हम बोलते हैं जनरल कस्टम और एक लोकल कस्टम होता है जो कि नहीं सॉरी जनरल होता है जो थ्रू आउट द स्टेट होता है और लोकल होता है जो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी में अप्लाई करता है ठीक है दिस इज लीगल कस्टम इज अ कस्टम इन स्ट्रिक्टर सेंस दिस इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ लॉ और लीगल राइट इसे डायरेक्टली फॉलो करती है फ्लो करती है जैसे कि हमारे जो uh, रिलीजियट जैसे मुस्लिम लॉ मुस्लिम लॉ कहाँ से हमने डेराइव करा है शरिया uh, से डराइव करा है तो दैट इज अगल कस्टम और अभी भी कुछ कुछ चीजें हैं मुस्लिम लॉ की जिसके ऊपर प्रॉपरली हमने लेजिसलेशन नहीं बनाए हैं सो दैट इज स्टिल गाइडेड बाय अ लीगल कस्टम ओके फिर इसके बाद एसेंशियल क्या होते हैं कस्टम के किसी को पता है असेंशियल्स क्या होते हैं कस्टम के बताओ पांच असेंशियल होते हैं कस्टम के बताओ ओके okay, बताओ पांच कस्टम्स हाँ मैं ये वाले नोट्स अपलोड नहीं करवाऊंगी ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं आप लोग धीरे धीरे नोट्स कॉपी कर लो या नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लो या कुछ ऐसा कर लो सॉरी ठीक है ओके और वैसे भी दीज आर जस्ट वेरी हैंडी नोट्स इसमें कुछ भी बहुत डिटेल में नहीं दिया हुआ है तो ये नोट्स आप लोगों के कोई बहुत ज्यादा काम के हैं नहीं ठीक है कंटिन्यूस होना चाहिए ओल्ड होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए राइट right, कंसिस्टेंट होना चाहिए ओके okay. तो वैलिड uh, कस्टम के क्या क्या असेंशियल है टाइम इम होना चाहिए कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होना चाहिए सौ साल पुराना हजार साल पुराना ऐसा होना चाहिए ठीक है फिर कंफर्मिटी विद द स्टैट्यूट एंड लेजिस्लेशन होना चाहिए वो स्टैट्यूट और लेजुस्लेश के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए जैसा अभी किसी ने तो बोला था चैट बॉक्स में फिर ऑब्लिगेटरी फोर्स होना चाहिए एक ऑब्लीगेशन होना चाहिए ओवर द सोसाइटी टू फॉलो द कस्टम और सोसाइटी को वो कस्टम ओपनली फॉलो करना चाहिए छुप छुप के फॉलो नहीं करना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए ऑब्वियसली और कंटिन्यूस और सर्टन होना चाहिए कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहिए और सर्टन होना चाहिए मतलब फिक्स होना चाहिए कस्टम कंटिन्यूसली चेंज नहीं होना चाहिए ओके okay? अब हम आते हैं लेजिस्लेशन पे लेजिस्लेशन क्या होता है लेजिस्लेशन एक डेक्लेन है या प्रोमलगेशन है ऑफ लीगल रूल्स बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर एक सेट ऑफ नॉर्म्स बनाती है और बोल देती है कि ये एक्ट है तो वो होता है आपका लेजिस्लेशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होती है पार्लियामेंट ओके पार्लियामेंट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी माई राइट थिंक ठीक है फिर सालमन ने बोला कि की लेजिस्लेश लॉ मेकिंग लेजिस्लेशन और लॉ मेड बाय कोर्ट्स के बीच में डिफरेंस होता है लॉ मेड बाय लेस क्या होते हैं लॉ मेड बाय लेस वो होते हैं जो प्योरली फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं और उनका किसी भी एक्चुअल डिस्प्यूट से कोई लेना देना नहीं होता दैट इज लॉ मेड बाय लेजि इट इज प्योरली फॉर द फ्यूचर पर्पसेस और फिर सालमन ने कहा कि एक लॉ होता है विच इज मेड बाय द कोर्ट्स जो लॉ मेड बाय कोर्ट्स होता है दैट इज ऑलवेज मेड टेकिंग इन टू कंसिडरेशन अग्जिस्टिंग डिस्प्यूट ओके फिर दो काइंड ऑफ लेजिस्लेशन होते हैं जिनकी हमने अभी ऊपर बात करी थी एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन या डायरेक्ट लेजिस्लेशन जिसको पार्लियामेंट डायरेक्टली बनाती है वो हमारा सुप्रीम या डायरेक्ट लेजिस्लेशन होता है और उसके अलावा जो हमारा सब ऑर्डिनेट या इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन होता है उसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं जहां पार्लियामेंट अपनी पावर किसी दूसरी अथॉरिटी को डेलीगेट कर देती है जहां पे बाय रूल्स बनते हैं ऑर्डिनेंसेस बनते हैं कंपनीज अपने खुद के लिए रूल्स बनाती हैं बाय लॉज बनाती हैं ठीक है ये सब क्या होते हैं सब ऑर्डिनेट या इनडायरेक्ट लेजिस्लेश होते हैं ठीक है इन्हीं को डेलीगेटेड लेजिसलेशन बोला जाता है ये बनते हैं बाय एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बनाती है इनको यूजली और आ, का डेलीगेशन नहीं करेगा पार्लियामेंट या जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है इससे रिलेटेड एक केस था इन रे डेली लॉज केस एडमिन लॉ में पढ़ा होगा सब ने इन रे डेली लॉज केस था जिसमें बोला था एसेंशियल फंक्शन का डेलीगेशन नहीं होगा डेलीगेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन एसेंशियल फंक्शंस का ही किया जा सकता है या जिस स्टैट्यूट में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है कि कोई चीज डेलीगेट की जा सकती है सिर्फ उतनी ही पावर को हम डेलीगेट करेंगे ओके थियोलॉजिस्ट ने ने बोला था कि सोर्स ऑफ लॉ इज गॉड या डिवाइन डिविनिटी ओके अब प्रेसिडेंट्स पे आते हैं तो लेजिस्लेशन में दो चीजें पढ़ी थी हमने एक था सुप्रीम uh, लेजिस्लेशन और दूसरा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ऊपर उसने पढ़ाया था हमको किसने पढ़ाया था सैलम ने कुछ बोला था ना लॉ के बारे में हाँ सैलम ने बोला था लॉ मेड बाय एंड लॉ मेड बाय कोर्ट्स ठीक है अब प्रेसिडेंट पे आते हैं प्रेसिडेंट्स क्या होते हैं प्रेसिडेंट्स वो होते हैं जो कि डिसीजंस होते हैं कोर्ट्स के और कोर्ट उन डिसीजंस के थ्रू कोई नए रूल्स या नए गाइडलाइंस या नए लॉज लेके आता है उनको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट्स ठीक है प्रेसिडेंट्स किस बेसिस पे जाते है? Dispute, या इंडिविजुअलिज अ रूल फॉर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस सबसेक्वेंट प्रैक्टिस के लिए रूल बताता है ये जस्टिस ग्रे है ये आपके रियलिस्ट स्कूल को बिलोंग करते हैं रियलिस्ट स्कूल खुद में मतलब इट इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ द रियल एस स्कूल कौन से स्कूल की ब्रांच है कौन से स्कूल ऑफ लॉ की ब्रांच है रियल स्कूल बताओ मुझे कोई रियल स्कूल वॉज नॉट अः खुद का एक खुद का प्रॉपर स्कूल नहीं है दिस दिस इज हैज आउट फ्रॉम वन स्कूल टेल मी द नेम ऑफ स्कूल ठीक है तो जस्टिस ग्रे कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कवर करता है एवरीथिंग सेड और डन विच इज फर्निश्ड एज अ रूल फॉर सब्सिक्वेंट प्रैक्टिस सब्सिक्वेंटली कैसे हमको एक्ट करना है वो लिखा होता है वो होते हैं प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट्स दो तरीके के होते हैं ऑथोरिटेटिव होते हैं परस्यूवेसिव होते हैं ऑथोरिटेटिव जो होते हैं उसकी बाइंडिंग वैल्यू होती है तो जो आपका रेशियो डेसिडेंडी है वो ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट में फॉलो करता है और जो आपका स्टेयर डेसिस होता है स्टेयर डे क्या होता है बताओ मुझे चैट बॉक्स में स्टेयर डेस क्या होता है स्टेयर डेसिस जो होता है वो भी आपका ऑथोरिटेटिव प्रेसिडेंट में फॉलो करता है फिर परस्यूसिव क्या होते हैं जिनको फॉलो करने की कोई आ, वो बाइंडिंग नहीं होते यू आर नॉट इट इज नॉट मैंडेटरीली फॉर कोर्ट्स के जजमेंट्स हो गए या फिर कोई ऑबिटर डिकटा है ऑबिटर डिकटा क्या होता है वो भी बताना ऑबिटर डिकटा क्या होता है फिर आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है आर्टिकल 141 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बट सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द सुप्रीम कोर्ट इट्स एंड प्रिवी काउंसिल के भी जो डिसीजन है वो भी सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है तो उनकी क्या वैल्यू होती है उनकी सिर्फ परस्यू वैल्यू होती है ओके okay? ओके लेट द डिसीजन स्टैंड इन डिस राइट कीर्ति ने गूगल से कॉपी करके पेस्ट करा है यहाँ पे ठीक है स्टेयर बेसिकली ओरिजिनल जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो पहले से आ चुके हैं उनको स्टेयर डेसिस कहते हैं जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स है जो कि बाउंड है ऑन द कोर्ट जो बाइंडिंग है कोर्ट पे रेशियो डेसिडेंडी क्या होता है रेशियो डेसिडेंडी जो अभी जजमेंट आएगा उसमें जो रेशियो होगा दैट इज रेशियो डेसिडेंडी और कोई भी जजमेंट आफ्टर अपॉइंट स्टेयर हो जाता है इट कोर्ट वाइल्ड गिविंग जजमेंट ऑबिटर डिक्टा इज नेवर बाइंडिंग सिर्फ उसकी परस्यू इससे वैल्यू होती है ठीक है ऑब्जर्वेशन जो होता है वो ऑबिटर डिक्टा होता है स्टेयर एक एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है एक एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि जजेस ने बनाया था और जो कि बाइंडिंग है सारे कोर्ट पे और क्या था रेशियो बता दिया मैंने आप लोगों को डिक्टा इज एन ऑब्जर्वेशन ओके फिर थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट पे आते हैं थ्योरीज ऑफ प्रेसिडेंट क्या है एक डेक्लेटरी थ्योरी होती है डेक्लेटरी थ्योरी का मतलब है कि जो जजेस लॉ बनाते हैं जजेस ही डिक्लेयर करते हैं लॉ को ओके okay. इनके हिसाब से जजेज जो है वो कोई न्यू लॉ नहीं बनाते हैं एक एग्जिस्टिंग लॉ को इंटरप्रेट करके डिक्लेयर करते हैं ठीक है जस्टिस ब्लैक ये फिर से आपके रियलिस्ट स्कूल के हैं इन्होंने सपोर्ट किया था डेक्लेटरी थ्योरी का और इन्होंने कहा था कि जज अ जज इज नॉट डेलीगेटेड टू प्रोनाउंस न्यू लॉ बट टू मेंटेन एंड एक्सप्लेन द ओल्ड वन जज के पास पावर नया लॉ बनाने की नहीं है बट टू मेंटेन एंड एक्सप्लेन द ओल्ड वन इसकी ये आपकी वो है क्या है मैगजिम जज डिट नॉन जस्ट डेन्स की जज हैज दावर टू डिसाइड बट नॉट टू मेक एनी लॉके जज हैज दावर टू डिसाइड एंड नॉट टू डिक्लेयर बेसिकली इट मीन दैट फिर कार्टर ने भी बोला था कि जुडिशियल डिसीजन आर नॉट सोर्सेज ऑफ लॉ बट अ प्रूफ ऑफ वॉट लॉ इज जुडिशियल डिसीजन क्या है प्रूफ है ऑफ वॉट लॉ इज फिर इसके बाद प्रेसिडेंट्स की दूसरी थ्योरी होती है लॉ मेकिंग थ्योरी जो कहती है कि जजेस नए लॉ बनाते हैं और जो लॉ है वो जजेस के थ्रू ही बना है इसको सपोर्ट किया था डायसी ने क्योंकि डायसी ऑब्वियसली इंग्लैंड का था और इंग्लैंड का जूरस था तो डायसी ने कहा कि जो भी ब्रिटेन में करेंटली लॉ एग्जिस्ट करता है इट हैज इमर्ज फ्रॉम प्रेसिडेंट ओनली और इसलिए जजेस की पावर के पास पावर होती है टू मेक लॉज एंड प्रेसिडेंट्स आर लॉ मेकिंग फिर सालमन ने भी इसको आ, इसी थ्योरी को क्या किया था एक्सेप्ट किया था या इस थ्योरी को सपोर्ट किया था और बोला था कि में मेक लॉ एज वेल एज डिक्लेयर इलमन ने कहा था कि वो लॉ बनाते भी हैं और लॉ को डिक्लेयर भी करते हैं डाइसी ने कहा था कि वो लॉ बनाते हैं ठीक है ओके जजेस प्राइमरीली डिक्लेयर एग्जिस्टिंग लॉज बाय इंटरप्रेटिंग एग्जिस्टिंग लॉज विच इज नॉट लेस देन मेकिंग अ लॉ सालमन ने क्या कहा कि जजेस अगर डिक्लेयर भी कर रहे हैं एग्जिस्टिंग लॉस को इंटरप्रेट भी कर रहे हैं तो भी इट इज इक्वी वेलेंट टू मेकिंग अ न्यू अटेडेंटी ऑर्बिटोडिक्टा तीनों मैंने आपको पहले ही समझा दिए ऊपर बाइंडिंग पार्ट ऑफ द जजमेंट रेशियो डेसिडेंटी ऑर्बिटर डिक्टा ऑब्जर्वेशन होता है ठीक है और स्टेयर इज समथिंग विच मस्ट बी फॉलोड इट स्टैंड इन इट्स राइट फुल प्लेस ये जो अभी किसी ने गूगल से कॉपी करके लिखा था मैंने भी लिखा है देखो इसीलिए मुझे पता है ठीक है अब फाइनली जो हमारा मेजर चंक है उस पर हम आते हैं स्कूल्स ऑफ ज्यूरो इसके पहले हम एक बार ये स्कूल्स ऑफ ज्यूरोट्स वाला चार्ट देख लेते हैं ये दोनों फोटोज मैंने गूगल से कॉपी करी है क्योंकि मुझे बहुत सा चार्ट मिल गया था तो मैं यहाँ डिस्कलेमर दे दे देती हूँ बट आई थिंक फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग इट इज नॉट एनी

हिस्टोरिकल स्कूल है और नेचुरल स्कूल जिसको सोशियोलॉजिकल स्कूल के साथ आप क्लब कर सकते हो तो जिससे मैंने पूछा था कि रियलिस्ट स्कूल कहाँ से निकला है एक्चुअली पांच की तरह पढ़ते हैं और एक होता है सोशियोलॉजिकल स्कूल स्कूल रियलिस्ट से निकला है मैंने जो पूछा था आई डोंट थिंक किसी ने भी सही आंसर बताया था फिलोसफिकल स्कूल से बिल्कुल नहीं निकला है रियलिस्ट स्कूल रियलिस्ट स्कूल निकला है आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल से ओके एनालिटिकल स्कूल में कौन कौन से होते हैं एक होता है जेरेमी बेंथम फिर कैलसन ऑस्टिन और इसी में साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगी हार्ट भी ठीक है फिर फिलोसफिकल स्कूल में कांत फिश्ते हीगल और शिलिंग है हिस्टोरिकल स्कूल में मॉन्टेस्क्यू यूगो ब्रूक फिर सैविग्नी सैविग्नी वो है जिसने बात करी थी वोक जीस्ट के बारे में विल ऑफ द पीपल स्पिरिट ऑफ लॉज दैट इज सैविग्नी फिर पूछता है जो सैविग्नी की ही थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि इंडिविजुअल और जनरल विल दोनों को मिक्स करना चाहिए और उसके बेसिस पे लॉ बनना चाहिए देन इज हेनरी मेन जो कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करता है ठीक है अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे सब फिर सोशियोलॉजिकल स्कूल में कौन कौन आता है ऑगस्ट कॉमटे आता है बेसिकली इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोलते हैं ऑगस्ट कॉमटे को फिर इसके बाद है आय आयरिंग आई थिंक आयरिंग बोलते हैं आयरिंग बोलते हैं आई डोंट नो Uh, फिर डुगे एलरिज और फिर रॉस्कोपॉन ठीक है रियल स्कूल को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि रियल स्कूल क्या होता है और उसके जूरिस्ट के नाम क्या है बेसिकली लेवलिन ठीक है फिर uh, जे, जे, जेरोमी फ्रैंक हॉल्स मार्क्स मार्क, मैक्स वेबर ओके okay? और जस्टिस ग्रेजिन का अभी हमने वो पढ़ा था डेफिनेशन पढ़ी थी ना कहीं कुछ तो और नेचुरल स्कूल में नेचुरल स्कूल इज अगेन वेरी वाइड वेरी लेंदी इसमें आपका शुरू होता है एरिस्टोटल सोक्रेटस प्लाटो से उसके बाद आते हैं हमारे सेंट ऑगस्टीन फिर थॉमस एक्विनास है फिर इसमें ग्रोशियस लॉक हॉब्स और रूसो और मॉडर्न में आता है आपका रॉल्स फुलर ठीक है रॉल्स फुलर बहुत सारे हैं बट सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों के मैं आपको नाम बता रही हूँ इसमें नेचुरल लॉ स्कूल में मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एरिस्टोटल सोक्रेटस प्लाटो की थ्योरी बताऊंगी फिर आपको थॉमस एक्वेनास की लिटिल बिट बिटाइल टेल एंड देन ग्रोशियस लॉक्स एंड रूसो करेंगे और मॉडर्न uh, वाले में आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनी ठीक है मॉडर्न वाला आई थिंक इज नॉट ऑल्सो दैट इम्पॉर्टेंट पर आप खुद से पढ़ लेना खुद से रिवाइज कर लेना मॉडर्न नेचुरल लॉ में ठीक है कहाँ है हमारा राइट स्कूल्स ऑफ ज्यूर इससे पहले लीगल थ्योरी क्या होती है कोई बताएगा लीगल थ्योरी जो वर्ड है हाँ हॉफिल ज्यूरल रिलेशनशिप्स आई विल टेल कि हॉफिल के ज्यूरल रिलेशनशिप्स क्या थे वो मैं पढ़ाऊंगी ठीक है लीगल थ्योरी जो टर्म है ये कॉइन किया था डब्ल्यू फ्रीडमैन ने 1945 में लीगल थ्योरी क्या होती है लीगल थ्योरी होती है एक सिस्टेमैटिक थॉट अबाउट द लॉ लॉ क्या है उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी और एक सिस्टमैटिक थॉट अबाउट इट इज कॉल्ड लीगल थ्योरी ये क्या है इट इज एक्सपोजिशन ऑफ एबस्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑफ लॉ एंड अ सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ लॉ इन ऑल इट्स बियरिंग लॉ के जो एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको हम निकालते हैं जो भी लॉ का और उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं और एक एनालिसिस करते हैं दैट इज लीगल थ्योरी इवेल्यूएटिव एंड नॉर्मेटिव स्टडी ऑफ द ऑफ लॉ एंड इट्स रिलेशनशिप विद मोरालिटी एंड जस्टिस लॉ का मोरालिटी और जस्टिस से क्या रिलेशनशिप है उसकी पढ़ाई लॉ के जो एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं वो सोसाइटी में किस किस तरीके से कहां कहां पर एप्लीकेबल होते हैं उसका एक सिस्टेमैटिकटिक थॉट ऑन द लॉ इज कॉल्ड एज लीगल थ्योरी द वर्ल्ड वॉज कॉइन बाय डब्ल्यू फ्रीडमैन अब हमारे जो स्कूल ऑफ जीरो हैं पहला हमारा एनालिटिकल स्कूल school, सीधे स्कूल पर ही चलते हैं इसको स्किप करते हैं देखो एक एनालिटिकल जूर होता है जो कि बात करता है व्हाट इज लॉ और एक नॉर्मेटिव जूर होता है जो कि बात करता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ तो इन दोनों के बेसिस पे हमारे सारे स्कूल्स हैं ठीक है दोनों चीजों की बात करते हैं व्हाट इज लॉ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉ दोनों को जोड़ के प्रॉपरली जो बनती है वो होती है लीगल थ्योरी ठीक है एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल की शुरुआत हुई थी जेरेमी बेंथम से बेसिकली जेरिनी बेंथम की जो थ्योरी थी ना वो एक्जैक्टली exactly फिट नहीं होती एनालिटिकल स्कूल या पॉजिटिव स्कूल में बट क्योंकि बाद में ऑस्टिन ने उनकी थ्योरी को एक्सपैंड करा फिर उसी के बेसिस पे कैल्सन ने अपनी थ्योरी को एक्सपैंड करा इसलिए हम इनको एक पार्ट बना देते हैं पॉजिटिव स्कूल का पर इनकी जो थ्योरी थी वो खुद से एक अलग थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म यूटिलिटेरियन थ्योरी जो थी वो थी बेंथम की थ्योरी ठीक है ओके okay. यूटिलिटेरियन थ्योरी जो थी वो थी बेंथम की थ्योरी इन्होंने क्या क्या बोला इन्हें बोला कि हैप्पीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज द एंड गोल ऑफ द लेजिस्लेशन लॉ कैसा बनना चाहिए जिससे सारे लोग खुश रहे हैप्पीनेस हो इन्होंने फाउंडेशन डाउन करा पॉजिटिविज्म का क्योंकि बाकी के जितने भी पॉजिटिव स्कूल के हमारे थे उन्होंने इनको फॉलो करा फिर नेसेस ने फेयर की थ्योरी दी लेसेस फेयर की थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि स्टेट का मिनिमम इंटरवेंशन होना चाहिए इन द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल अगर स्टेट बहुत ज्यादा इंटरवीन करेगी इन द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल तो मैक्सिमम हैप्पीनेस को हम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज योर एक्टिविटीज विल बी टू रेगुलेटेड ज्यादा रोक टोक मम्मी पापा लगाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना दैट इज वॉट जेर एम सेड कि ज्यादा इंटरफेरेंस स्टेट नहीं करेगी तो बेटर रहेगा ठीक है दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पॉजिटिव लॉ का थ्योरी जो कि बोलता है कि सॉवरेन जो है या जो एक ग्रांड नॉर्म है उसी के बेसिस पे लोगों को चलना है पर इन्होंने क्या बोला हाँ? इन्होंने बोला कि एक सॉवरेन होना चाहिए जो लॉ बनाएगा बट उसका इंटरवेंशन जो होता है वो मिनिमम होना चाहिए लेस स्फेयर की थ्योरी लेके आए इसलिए ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिविस्ट नहीं थे बैंथम ओके okay? फिर इन्होंने क्या कहा कि एंड ऑफ लेजिस्लेशन इज द ग्रेटेस्ट नंबर फंक्शन ऑफ लॉ क्या है चार गोल्स बताए थे लॉ के पहला होता होता है अबंडेंस है इक्वालिटी होता है और सिक्योरिटी होता है लॉ क्यों बनाना चाहिए इसलिए बनाना चाहिए कि सब एक साथ रह सके ऑल्सो कि जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए कि कभी भी किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं पड़े एवरी वन हैज रिसोर्सेज सो दैट एवरी वन कैन स्टे हैप्पी फिर इक्वालिटी रहे सबका परपज है फंक्शन ऑफ लॉ है और इन्होंने यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी कि ईविल को प्रिवेंट करे और गुड को आगे बढ़ाए ठीक है बस दिस इज वॉट बैंथम सेट यूटिलिटेरियन थ्योरी लेसेज फेयर की थ्योरी चार चीजें जिसके लिए हमें लॉ चाहिए अबंडेंस सबसिस्टेंस इक्वालिटी और सिक्योरिटी और इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था एक्सपोजिटोरियल जोरिस और सेंसोरियल जोरिस में एक्सपोजिटोरियल जोरिसप्रूडेंस क्या होती है कि वॉट द लॉ इज लॉ अभी क्या है और सेंसोरियल ज्योरप्रोडेंस क्या होती है वॉट द लॉ ऑट टू बी इन्होंने कहा कि अभी जो लॉ है वो यूटिलिटेरियन नहीं है बट बाद में जो लॉ बनना चाहिए वो यूटिलिटेरियन बनना चाहिए दैट इज हाउ दिस केम हाँ जो यूटिलिटी थ्योरी है उसी का प्रिंसिपल है पेन एंड प्लेजर थ्योरी उसी को बोलते हैं ओके राइट प्रखर ओके फिर हम आते हैं जॉन ऑस्टिन पे इनको कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ज्यूरसप्रूडेंस इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ पॉजिटिव स्कूल इन्ही को कहते हैं फादर ऑफ इंपेरेटिव स्कूल ओके सब जॉन ऑस्टिन ही है इनकी किताब का क्या नाम था बेसिकली जो बुक है ना ये द प्रोविंस ऑफ ज्यूरोप्रूडेंस डिटरमाइंड दिस इज अज ऑफ लेक्चर्स ये एक लेक्स की सीरीज है जो इन्होंने शायद हार्वर्ड या ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में डिलीवर करे थे और उन लेक्चर्स का एक कंपाइलेशन uh, है ये बुक द प्रोविंस ऑफ जोरो स्टूडेंट्स डिटरमाइंड ठीक है ऑस्टन फाइनली हमारे प्रॉपर स्टॉन्च पॉजिटिविस्ट ठीक है ये क्या कहते हैं कि लॉ क्या है लॉ इज अ गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट बींग इंटेलिजेंट बींग एक इंटेलिजेंट बींग है उसने दूसरे इंटेलिजेंट बींग के लिए लॉ बनाया है पर ये जो एक इंटेलिजेंट बींग है दिस इज द सोवरेन तो सोवरेन लॉ बनाता है बाकी सारे लोगों के लिए तो बेसिकली वॉट इज लॉ लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैग्ड बाय सेंशन सबको रटा होना चाहिए लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैग्ड बायक्शन कमांड क्या होता है कमांड इज द एक्सप्रेशन ऑफ द सोवरेन सोवरेन जो कहती है वो कमांड होता है कमांड के बाद आपकी ड्यूटी होती है अगर आप ड्यूटी फुलफिल नहीं करते हो तो आपके ऊपर सैंक्शन इम्पोज होता है या पनिशमेंट इम्पोज होती है ओके हाँ राइट थैंक यू थैंक यू नयन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑस्टिन ने अपने लेक्चर डिलीवर करे थे जिसका कंपाइलेशन है ये ऑल राइट right. फिर इन्होंने ऑस्टिन ने लॉ को और एक्सप्लेन करा कि लॉ क्या होता है तो उन्होंने दो चीजों में डिवाइड किया था पहला होता है लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड दूसरा होता है लॉ इम प्रॉपरली कॉल्ड सो कॉल्ड लॉ सो कॉल्ड क्या होता है इट इज रिलेटेड विद ऑब्लिगेशन इसमें दो टाइप के लॉज होते हैं लॉ ऑफ गॉड और दूसरा होता है लॉ सेट बाय सेट बाय मैन टू मैन लॉ ऑफ गॉड जो होते हैं जो आपकी रिलीजियस बुक्स है वो सब है इसके ऊपर ऑस्टिन ने ज्यादा फोकस नहीं किया था ऑस्टिन का फोकस था लॉ सेट बाय मैन टू मैन जो ह्यूमन मेड लॉज होते हैं उस पे उसमें दो चीज़ें बोली इन्होंने एक होती है पॉजिटिव लॉज और दूसरी होती है पॉजिटिव मोरालिटी पॉजिटिव लॉज क्या होते हैं जो पॉलिटिकली सुपीरियर्स ने पॉलिटिकली इंफीरियर्स के लिए बनाए हैं मतलब जो सॉवरन ने हमारे लिए बनाया है दैट इज पॉजिटिव लॉ पॉजिटिव मोरालिटी क्या होती है पॉजिटिव मोरालिटी किसी ने किसी के लिए बनाई नहीं है बट इट इज जस्ट अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स विज द सोसाइटी इन जनरल शुड फॉलो और ऑस्टिन के हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ था वो पॉजिटिव पॉजिटिव मोरालिटी मोरालिटी का फॉर्म लॉ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे है? उनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली नो लॉ इज जस्ट मोरालिटी एंड मॉरल प्रिंसिपल फिर लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड में आते हैं लॉज बायोलॉजी विच इज मोस्टली लाइक पॉजिटिव मोरालिटी की आप लॉजिक के बेसिस पे जो आप लॉज सोसाइटी में फॉलो करते हो लॉजिक और मोरालिटी के बेसिस पे दैट इज लॉज बाय एनालॉजी और उसके बाद होते हैं लॉज लॉज बाय बाय क्या होते हैं जो नेचर के लॉ होते हैं जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हो गया तो इस टाइप के जो भी आपके लॉ ऑफ फोर्स और साइंस वाले जो लॉज है वो सब होते हैं लॉज बाय मेटिफर ओके फिर ऑस्टिन की थ्योरी का भारी क्रिटिसिज्म था क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इसने कस्टम्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया कि कस्टम्स की क्या वैल्यू है सिर्फ सोवरेन ने जो लॉ बनाया है वही लॉ है और कस्टम की कोई वैल्यू नहीं थी इसके सिस्टम में सैंक्शन क्या है सैंक्शन के सैंक्शन uh, इसने बोला कि सैंक्शन इज दी ओनली मीन्स टू इंड्यूस ओबीडियंस बट क्या एक्चुअल में सैंक्शन इज द ओनली मीन्स टू इंड्यूस ओबीडियंस देर आर वेरियस अदर मीन्स ऑल्सो तो दैट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज फिर इंटरनेशनल लॉ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जज मेड लॉ को इसने एक्सप्लेन नहीं करा इसकी थ्योरी में कोई स्कोप ही नहीं थी प्रेसिडेंट्स की सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन ने जो बोल दिया द कमांड ऑफ द सोवरेन इज द सोर्स फॉर ऑस्टिन ठीक है तो जज मेड लॉ के लिए कोई स्कोप नहीं थी इंटरनेशनल लॉ के लिए कोई स्कोप नहीं थी और इस वजह से ये जो कमांड थ्योरी है जो सैंग जो ऑस्टिन की थ्योरी है उसको हम कमांड थ्योरी भी बोलते हैं ये अनटेनेबल है ज्यादा नहीं चल सकती क्योंकि इन द प्रेजेंट सोसाइटी हमारे जजेस भी लॉ बनाते हैं ओके एच एल ए हार्ट के ऊपर हार्ट ने क्या बात की थी इन्होंने ऑस्टिन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था और ऑस्टिन की थ्योरी को किस बेसिस पे रिजेक्ट किया था इन्होंने कहा था कि लॉ जो है वो कोई कमांड नहीं है इट इज स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट एक अपनी सोसाइटी अपना लाइफ कंडक्ट करने का एक तरीका है लॉ ये बोला था हार्ट ने और उन्होंने कहा कि इसीलिए ये जो इन्होंने कहा है ना कि लॉ इज बेसिकली अ कमांड एंड ओनली अ कमांड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन्होंने कहा था कि लॉ इज सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन एंड एक्सपेक्टेशन जब लोगों के बीच में सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन आती है उसको हम लॉ बोलते हैं और इन्होंने कहा कि लॉ इज अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स प्राइमरी रूल्स दिए इन्होंने और सेकेंडरी रूल्स दिए प्राइमरी रूल्स बेसिकली हमारे सबस्टैंडिव लॉ जो होता है ना वो हमारा प्राइमरी रूल है और जो हमारा प्रोसीजरल uh, लॉ होता है दैट इज बेसिकली सेकेंडरी रूल्स इन्होंने कहा प्राइमरी रूल्स क्या होते हैं ये ले डाउन करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर कि किस तरीके से लोगों को बिहेव करना चाहिए और सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं एंसिलरी होते हैं टू द प्राइमरी रूल्स जो प्राइमरी रूल्स या प्री लीगल रूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके एंसिलरी होते हैं सेकेंडरी रूल्स उनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं सेकेंडरी रूल्स ओके इनका क्रिटिसिज्म ये था कि ये जो यूनियन है ये बाकी जो एस्पेक्ट्स है लॉ के उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट के केस में आप कहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी लेके आओगे एक ही है कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है दिस वॉज ऑफ द क्रिटिसज फिर इसके बाद दो डिबेट हैं जो काफी important हैं और जिनके ऊपर लॉज आर कंसर्न विध वॉट ऑट टू हैथ वॉट हैपन क्या होना चाहिए आगे जाके उसके बेसिस पे हम लॉ बनाते हैं अभी क्या हो रहा है उसके बेसिस पे हम लॉ नहीं बनाते ये हार्ट ने बोला था पर फुलर ने क्या कहा फुलर यहाँ पे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि किसने कहा था कि वॉट लॉ इज एंड साथ में पढ़ते हैं इसको हम साथ में पढ़ते हैं ये बोला था, Fuller ने, Fuller ने बोला था ने ने कि what law is and what law ought to be. उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी लॉ को जब आप बना रहे हो तो वॉट लॉ इज उसके बेसिस पे आप मोरालिटी को देखोगे और कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को आप अलग नहीं कर सकते फ्रॉम वॉट लॉ ऑट टू बी ठीक है फिर हार्ट और डेवलिन की जो डिबेट थी विच इज वेरी मच रेलिवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इनकी डिबेट जो थी उसमें हार्ट बोलता है कि रोल ऑफ लॉ जो होता है वो इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करने का होता है और इंडिविजुअल के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच हमें लेनी चाहिए जो सिर्फ मेजोरिटेरियन अप्रोच से डील नहीं करनी चाहिए हमें इंडिविजुअल की खुशी को भी देखना चाहिए उस बेसिस पे ये जो हमारा हार्ट है वो सपोर्ट करता है एल जी बी टी क्यू को ठीक है

और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसको मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी इनटॉलरेंट या इंडिग्नेशन या डिस्गस्ट की तरह देखती है या टॉलरेट नहीं कर पाती है तो उन चीजों के अगेंस्ट लॉ बनना नेसेसरी है ये बोला था डेवलिन डेवलिन ब्रिटेन को बिलोंग करते थे और इसी के बेसिस पे स्टार्टिंग में वहां पे और फिर उसके बाद जहां जहां कम्युनल लॉ आया उन सब जगहों पे होमोसेक्सुअलिटी वाज क्रिमिनलाइज्ड बिकॉज डेवलिन की जो अप्रोच थी दैट वाज मेजरली अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी ओके okay. आज भी हमारे यहाँ अडॉप्ट करी जा रही है सेम सेक्स मैरिज अलाउ नहीं करी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली कि पॉपुलर मेजोरिटी का व्यू नहीं है वो फाइन ओके नाउ कमिंग टू हैल्सिन बात करते हैं हमारी प्योर थ्योरी ऑफ लॉ की कैल्सिन के हिसाब से जो लॉ है ना उसमें कुछ भी और नहीं होना चाहिए ना सोशल इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना ही कोई uh, और क्या नहीं होना चाहिए लॉ मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉ इसके बाद ये बोलता है कि लॉ जो है कि इंफॉर्मेटिव साइंस जैसा है और ऑट प्रोपोजिशंस की बात करता है मतलब लॉ ऑट प्रोपोजिशंस की बात करता है का मतलब कि लॉ उस चीज के बारे में बात करता है कि आगे क्या होना चाहिए सोसाइटी में और इसने बोला इसका ऑस्टिन के साथ ये सिमिलैरिटी थी कि ये बोलता है कि लीगल नॉर्म जो है वो डिराइव करता है वैलिडिटी सैंक्शन से और ऑस्टिन भी वही चीज बोलता है बट ऑस्टिन के केस में सैंक्शन कौन है सैंक्शन कौन देता है सोवरेन देती है और कैल्सिन के केस में सैंक्शन कहाँ से आता है ग्रंड नॉर्म से आता है तो कैल्सिन की थ्योरी में ग्रंट नॉर्म जो है ना वो उसका बेसिक है थ्योरी का एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ और एक ग्रंट नॉर्म दो चीजें हमें याद रखनी है कैल्सिन के केस में ग्रैंड नॉर्म क्या है ये एक इनिशियल नॉर्म है जो एग्जिस्ट करता था बिफोर एनी अदर लॉ केम केमेंट टू ग्रैंड नॉर्म जो है वो सबसे ऊपर है और बाकी जितने भी लॉज है या जितने भी नॉर्म्स है वो सब अपनी वैलिडिटी डिराइव करते हैं ग्रैंड नॉर्म से ये जो एक ट्राइंगल बना हुआ है दिख रहा होगा शायद आप लोगों को यहाँ पे है ग्रैंड नॉर्म फिर इसके बाद लेजिस्लेचर्स आते हैं और फिर डेलीगेटेड लेजिसलेस आते हैं ठीक है इसने कहा कि टास्क जो होता है लीगल थ्योरी का वो ये होता है कि जो ग्रैंड नॉर्म है उसको इंफीरियर नॉर्म्स में रियलाइज करा जाए या उसको इंफीरियर नॉर्म्स में अडॉप्ट करा जाए इसके अकॉर्डिंग कोई डिफरेंस नहीं था पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ में पब्लिक लॉ हो या प्राइवेट लॉ हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो उन सबको अपनी वैलिडिटी एक ही ग्रैंड नॉर्म से डिराइव करनी है प्रेजेंट सिचुएशन में हम किस चीज को अपना ग्रैंड नॉर्म बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रॉम राइट राइट यश डेवलिन गुड था या हार्ड गुड था वी आर नो वॉन्ट टू जज दैट ओके है इसका ग्रैंड नॉर्म एक वेग और कंफ्यूजिंग चीज है वेग और कंफ्यूजिंग क्यों है क्योंकि आपने कहीं भी डिफाइन नहीं करा है कि ग्रैंड नॉर्म कैसा होगा कोई रूल नहीं है फीडमैन कहता है इट इज अ फिक्शन इनकेपेबल ऑफ बीइंग ट्रेस इन एवरी लीगल सिस्टम ये एक फिक्शन है और कहाँ ट्रेस करोगे ब्रिटेन के केस में क्या है ग्रैंड नॉम क्या है ग्रैंड नॉम ब्रिटेन के लिए कोई ग्रैंड नॉम ही नहीं है क्योंकि ब्रिटेन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है फिर हिस्टोरिकल स्कूल वाले कहते हैं ग्रैंड नॉम का क्रिटिसिज्म करते हुए कि ग्रैंड नॉम से लॉ डराइव नहीं होता है लॉ डराइव होता है वो जीस से ठीक है दूसरा इसका क्रिटिसिज्म था कि प्योरिटी ऑफ नॉर्म्स को हम मेंटेन नहीं कर सकते हम लॉ को हिस्ट्री से या सोसाइटी से डिप्राइव या अलग करके कैसे देख सकते हैं लॉ तो हमेशा हिस्ट्री और सोसाइटी से रिलेटेड ही होता है दैट इज वाई प्योरिटी ऑफ लॉ कैन नॉट बी मेंटेन इसने नेचुरल लॉ को पूरी तरह से इग्नोर किया था कोई भी डिवाइन मेड लॉ डिवाइन लॉ या गॉड मेड लॉ की कोई स्पेस ही नहीं थी ग्रैंड नॉम में ठीक है सिमिलरली डिवाइन लॉ की कोई स्पेस नहीं थी ऑस्टिन वाले लीगल सिस्टम में भी और ये भी इंटरनेशनल लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था ठीक है अब हम आते हैं हिस्टोरिकल स्कूल पे हिस्टोरिकल स्कूल क्या बात करता है हिस्टोरिकल स्कूल बोलता है कि हम हमारी हिस्ट्री और ट्रेडिशंस से डिवोर्स करके या उनसे अलग होके कोई लॉ नहीं बना सकते लॉ बेसिकली डिराइव होता है हिस्ट्री ट्रेडिशंस और कस्टम्स को देखते हुए यही बोलता है हिस्टोरिकल स्कूल हिस्टोरिकल स्कूल की ये जो थ्योरी थी ये नेचुरल लॉ वालों ने और एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट ने पूरी तरीके से रिजेक्ट करी थी क्योंकि नेचुरल लॉ बोलता था कि इंट्यूटिव ह्यूमन कॉन्शियंस गॉड और एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन कंडक्ट जो है उनके बेसिस पे लॉ बनता है ठीक है और पर हिस्टोरिकल स्कूल हमारा अलग बोलता है एनालिटिकल पॉजिटिव जो है वो कहते हैं कि लॉ बनता है सोवरेन से ओके हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से लॉ की एक बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है जबकि नेचुरल लॉ के हिसाब से लॉ जो है वो फिक्स्ड uh, होता है इट इज नॉट सब्जेक्ट टू चेंज गॉड ने जो लॉ बोल दिया कुरान में जो लिखा है गीता में जो लिखा है वही लॉ है उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते दैट इज नेचुरल लॉ और वो स्टैटिक है हमेशा वैसा ही रहेगा हिस्टोरिकल स्कूल कहता है कि नहीं लॉ जो है इट इज़ लाइक अ बायोलॉजिकल ग्रोथ एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है और इसको जेनरेशन टू जेनरेशन चेंज होना चाहिए इवोल्व होना चाहिए लॉ इज फाउंड लॉ इज नॉट मेड ओके इसके मेन जूरिस सेविग्नी थे बट हम पढ़ते हुए चलेंगे मॉन्टेस्क्यू से मॉन्टेस्क्यू वाज दिस फर्स्ट ज्यूरस जिन्होंने हिस्टोरिकल स्कूल की बात करी थी इनका बुक का नाम है स्पिरिट दे लॉय स्पिरिट लॉय जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ लॉज इन्होंने कहा कि जो भी लॉज होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग बनने चाहिए क्लाइमेट लोकल सिचुएशन एक्सीडेंट और इम्पोस्टर जिस जगह पर आप हो उस जगह के हिसाब से बेसिकली लॉज बनाने चाहिए और उस जगह की हिस्ट्री को देखते हुए उस जगह के क्लाइमेट को देखते हुए और उन सब चीजों को देख के लॉ को डिराइव करना चाहिए ये बोला था मॉन्टेस्क्यू ने लॉ मस्ट बी कंसिडर्ड इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट वेर लॉ इज बींग मेड ठीक है फिर सैविग्नी ने क्या बोला था सैविग्नी को बोलते हैं फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल कौन है फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल सैविग्नी है ऑल दो फर्स्ट इसका ज्यूरिस्ट मॉन्टेस्क्यू था बट फिर भी सैविग्नी uh, ने इसको वाइडन किया इसलिए फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल सैविग्नी है और इसको डॉर्वीनियन बिफोर डॉर्विन भी कहते हैं डॉर्वनियन बिफोर डार्विन भी सैविग्नी को ही कहते हैं क्योंकि इन्होंने यही बोला कि जैसे ह्यूमन एवॉल्यूशन या ह्यूमन ग्रोथ का प्रिंसिपल डार्विन ने दिया था वैसे इन्होंने लॉ के एवॉल्यूशन या लॉ के ग्रोथ का प्रिंसिपल दिया कि चेंजिंग सोसाइटी के साथ जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ह्यूमन बींग्स का होता है वैसे ही लॉ का बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है इसने कहा लॉ इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पीपल एंड कंटेन्स जर्म्स ऑफ फ्यूचर सोशियोलॉजिकल थ्योरी लोगों से कनेक्टेड है लॉ और आगे जाके सोसाइटी में जो जो चेंजेस होंगे उन सब का इम्पैक्ट लॉ पे होता है बेसिकली लॉ इज वॉट लॉ इज द जनरल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल प्लस कस्टम्स प्लस बिगॉटन बाय द पीपल बाय पॉपुलर स्पिरिट कॉन्शियसनेस पीपल की कस्टम्स जो एग्जिस्ट करते हैं फिर जो पीपल ने एक्सेप्ट कर लिया वो फाइनली लॉ है अकॉर्डिंग टू सैविग्नी लॉ इज नॉट लॉजिकल बट एन अनकॉन्शियस ग्रोथ ओके दिस इज सैविग्नी सैविग्नी का क्रिटिसिज्म क्या था स्टोन ने जस्टिस स्टोन ने क्रिटिसिज्म किया सैविग्नी का और बोला कि सैविग्नी ने इग्नोर करा इंपॉर्टेंस ऑफ लेजिसलेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज उन्होंने एक्सेसिव एम्फेसिस दिया ऑन अनकॉन्शियस फोर्सेज पीपल की क्या विल है उसके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान था और उनके हिसाब से पीपल की विल ही सिर्फ लॉ uh, को चेंज कर सकती है बट एक्चुअल में सोसाइटी में लॉ से बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल uh, कर दिया कंसेंशुअल एक्ट्स को बट अभी भी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं है उस चीज़ की तो ये जो चेंज हमारी सोसाइटी में ग्रेजुअली आएगा

कि इसमें काफी ज्यूरिस्टिक पेसिमिज्म है काफी नेगेटिविटी है सिर्फ वेटेज दिया गया है पास्ट इंस्टीट्यूशन को सिर्फ जो हिस्ट्री है और जो लोग हैं उनको वेटेज दिया है बाद में जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उनको कोई वेटेज नहीं दिया है ठीक है इसके बाद पुछता है, पुछता जो थे सैविग्निक के ही स्टूडेंट थे इन्होंने बोला कि इन्होंने सैविग्निक की जो थ्योरी थी उसको एक्सपैंड uh, करा और बोला कि जब हम जनरल विल की या वो जीस्ट की बात करते हैं तो उसमें लोगों के सेल्फ इंटरेस्ट भी आ जाते हैं हो सकता है कि किसी की जनरल विल कुछ और हो किसी की कुछ और हो और आपस में उन दो चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जो है तो कॉन्फ्लिक्ट जो है ना क्या बोल रही थी मैं तो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए लॉ चाहिए होता है बेसिकली जो सेल्फ इंटरेस्ट और जनरल विल है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए वी नीड लॉ यहाँ पे आता है आइडिया ऑफ लॉ देन स्टेट कम्स इज कम्सोन बाय द पीपल ओके इसने कहा कि जनरल विल और सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट को मिला के जब लोग जाके किसी स्टेट को अपॉइंट uh, करते हैं या स्टेट को डिसाइड करते हैं वो स्टेट जो लॉ लेके आती है वो डीलिमिट करती है स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मेक्स अ वर्केबल सिस्टम बोथ पीपल पीपल कौन है कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है पीपल की वजह से लॉ आया है एंड स्टेट कॉज ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल किसने बनाया है स्टेट ने बनाया है और कॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेट को कौन लेके आया है पीपल लेके आया है ये दोनों मिलके लॉ क्रिएट करते हैं और बिना स्टेट के कोई लॉ नहीं हो सकता ये बोला पिछ्ता पुश्ता ने तो पुश्ता ने सरविंगनी की जो थ्योरी थी उसको वाइडन करा उसमें सेल्फ इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करा जनरल विल के साथ फिर हैनरी मेन पे आते हैं हेनरी मेन ने बोला स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हैनरी मेन से रिलेटेड याद रखने की वो है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी ये 1822 से 1888 के बीच में आया था किसी को पता है कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया है किसी को भी पता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ओके okay. uh, जो बुक थी हेनरी मेन की बुक्स का नाम है एंशियंट लॉ विलेज कम्युनिटीज अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन सबसे इजी नाम है हेनरी uh, मेन की बुक्स का एंड इजी टू लर्न आल्सो ओके एंशिएंट लॉ विलेज कम्युनिटी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन राइट यश 1872 में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था उसी से याद रखो कि पूछता ये हेनरी मेन जो है ये भी उसी टाइम के हैं और ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो इंडिविजुअल्स हैं या जो पीपल हैं जनरल पीपल दे गो इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्टेट और वो स्टेट के साथ जब फ्री विल से अपने कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्टेट उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करती है ओके okay? ठीक है फिर सोशल डार्विनिस्ट बोलते हैं इनको क्योंकि इन्होंने एक सोशल ऑर्डर इनविस किया इनको क्या बोलते हैं सोशल डार्विनिस्ट और हमने किसको बोला था डॉनियन बिफोर डार्विन सैविग्नी को ओके यहाँ कंफ्यूज मत होना हैनरी मेन सोशल डार्विनिस्ट है और डार्विनियन बिफोर डार्विन इज सैविग्नी डारो okay. इन्होंने एक सोशल ऑर्डर इनवसाइज किया जहां इन्होंने बोला कि प्रिमिटिव बॉन्डेजेस जितने भी हैं स्लेवरी है और इस टाइप की जो भी चीज है उनसे सबसे लोगों को फ्री करो और यही पर्पस है हमारे लॉ का चार स्टेजेस बताए लॉ की पहला बोला लॉ मेड बाय कमांड ऑफ रूलर रूलर ने जो कमांड दिया है उसके बेसिस पे लॉ आता है दूसरी चीज इसने बोली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कमांड इन कस्टमरी लॉ जो कमांड दिया है उसको जब आप प्रॉपरली क्रिस्टलाइज करोगे या प्रॉपरली लिखोगे तब होगा वो क्रिस्टलाइजेशन इज नेसेसरी फिर बोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम बाय प्रीस्ट ये जो लॉ बन गया हमने इसको लिख लिया इसके बाद इसको फॉलो कौन करवाएगा प्रीस्ट फॉलो करवाएंगे एग्जीक्यूशन कौन कराएगा प्रीस्ट एग्जीक्यूशन कराएंगे फिर फाइनली इसका कोडिफिकेशन होगा देख के कि कैसे सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट है फिर इसने दो टाइप की सोसाइटीज बताई थी पहली स्टैटिक सोसाइटी होती है जो फोर्थ स्टेज पे आके रुक जाती है इसके बाद जो इनका लॉ होता है वो प्रोग्रेस नहीं करता है एक बार कोडिफिकेशन हो गया तो बस ये इसी को फॉलो करते जाते हैं फिर दूसरा होती है हमारी प्रोग्रेसिव सोसाइटी जो कि फोर्थ स्टेज के आगे प्रोग्रेस करती है ये जो सोसाइटीज होती हैं फाइनली ये स्टेटस के टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में उससे आगे पहुंच पाती हैं ठीक है Uh, दोनों सोसाइटीज में क्लेम्स राइट ड्यूटीज सब कुछ होता है बट जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी होती है वो विद द चेंजिंग विदेंजिंग विद द चेंजिंग सोसाइटी एंड विद द इवॉल्विंग सोसाइटी इवॉल्व हो जाती है तो इसलिए मूव कर पाती है फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक इंसान अपनी फ्री कंडीशन के बेसिस पे स्टेट से नेगोशिएट कर पाता है कि उसको कौन सी एक्स्ट्रा राइट चाहिए इन द प्रेजेंट इवॉल्विंग सोसाइटी ओके इसका क्रिटिसिज्म दिया था पॉलक ने उसने कहा था कि इसका ये जो लॉ है ये प्रॉपर्टी लॉज पे अप्लाई नहीं हो सकता इसकी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है और पर्सनल रिलेशंस पे भी अप्लाई नहीं होता जैसे कि मैरिज माइनॉरिटी एक्सेट्रा क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेटस और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है यहाँ पर दो लोग आपस में बात करते हैं हमारा स्टेट के साथ कोई स्टेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी लॉज या फिर रिगार्डिंग मैरिज जैसे पर्सनल लॉज फिर इसने बोला कि टोटेलिटेरियन कंट्रीज जो है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट अलाउड ही नहीं है उस सिचुएशन में <coughs> इसकी थ्योरी अप्लाई नहीं हो सकती है फिर उन्होंने बोला कि फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट नहीं रहता इट इज ऑलवेज कर्टेल्ड अकॉर्डिंग टू द लेजिसलेन्स एंड दैट इज ऑल्सो अ रेस्ट्रिक्शन और क्रिटिसिजम ऑन हिज थ्योरी ठीक है अब हम सोशियोलॉजिकल स्कूल पे आते हैं फटाफट सोशियोलॉजिकल स्कूल को ही फंक्शनल जूर कहते हैं जूर ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं और सोशल इंजीनियरिंग जो टर्म आया है इंजीनियरिंग वो सोशियोलॉजिकल स्कूल से आया है सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बात करता है सोशियोलॉजिकल स्कूल ये कहता है बेसिकली कि लॉ जब भी आप बोल देख रहे हो या बना रहे हो तो आप उसको सोसाइटी के साथ देखते हुए बनाओगे लॉ शुड नॉट बी डिप्राइव्ड और डिवोर्स फ्रॉम द सोसाइटी दैट इज वॉट सोशियोलॉजिकल स्कूल सेज और कहता है कि इसको लॉ को प्रॉपरली इनकोपरेट करने के लिए या प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए रिलेट करना जरूरी है सोशल से जैसे कि साइकोलॉजी फिलासफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी इन सबसे जब लॉ रिलेटेड होगा सोशियोलॉजी सोशल फिलोसोलॉजी साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स तभी लॉ एक प्रॉपरली वर्क कर सकता है अब इसके ज्यूरस पे आते हैं हमारे हैं ऑगस्ट कॉम्टे ये इनको इन्होंने सोशियोलॉजी टर्म कॉइन किया था और इन्हीं को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं ऑगस्ट कॉम्टे को इन्होंने कहा कि सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म हुज प्रोग्रेस इज गाइडेड बाय साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सोसाइटी क्या है एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हाँ गाइड करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए ठीक है बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा फिर हर्बर्ट हर्बर्ट स्पेंसर स्पेंसर की बात करते हैं ने कहा कि सोश... सोशल एक्सप्लेन सोशल फिलोमना इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज और इवोल्यूशनरी थ्योरी जो थी डार्विन की उसको अडॉप्ट करा हर्बर्ट स्पेंसर ने और कहा कि लॉज मस्ट इवॉल्व एंड चेंज विद द सोसाइटी देवु� एंड विथ इट्स प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट लॉ कैसे चेंज होने चाहिए सोसाइटी के साथ चेंज होने चाहिए यही हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा फिर हम आते हैं डगिट पे थोड़े से इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इन्होंने कहा सोशल सॉलिडारिटी की बात करी थी डगिट ने और ये इंस्पायर्ड थे बाय दर खाइम इनकी बुक का नाम था लॉ इन द मॉडर्न स्टेट ठीक है लॉ इन द मॉडर्न स्टेट किसने लिखी थी डिट डिट द गाइड वॉट एवर इन्होंने लिखी थी ठीक है इन्हें बोला कि मैन की दो नीड्स होती हैं कॉमन नीड्स होती हैं जो म्यूचुअल असिस्टेंस से सॉल्व हो सकती हैं जो कि हमारी बेसिक डे टू डे नीड्स होती हैं ठीक है फिर होती है डाइवर्स नीड्स डाइवर्स नीड्स क्या होती हैं जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा सर्विस या फिर जिसके लिए हमें एक्सचेंज ऑफ सर्विस करना पड़ता है ठीक है और जब ये जो दोनों नीड्स है ये एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है ह्यूमन बींगस कैन नॉट सर्वाइव इन द सोसाइटी विदाउट फुलफिलमेंट ऑफ कॉमन नीड्स एंड डाइवर्स नीड्स और इन दोनों को फुलफिल करने के लिए जो एक दूसरे का साथ चाहिए दैट इज कॉल्ड एज सोशल कोहेजन सोशल कोहेजन होता है और ये सोशल कोहेजन को बनाने के लिए हमें चाहिए सोशल सॉलिडारिटी ठीक है एक डिविजन ऑफ लेबर और वो डिविजन ऑफ लेबर किस तरीके से करना है वो सर्विसेज किस तरीके से एक्सचेंज करनी है उसको मेंटेन करने के लिए द सोसाइटी नीड्स टू वर्क टुगेदर व्हिच इज कॉल्ड एज सोशल सॉलिडारिटी और ये सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करने के लिए हमें एक लॉ चाहिए होता है डगिट ने कहा कि जो सोवरेनिटी है वो मीनिंगलेस है सोवरेनिटी का कोई पर्पस नहीं है और ये बोलता है कि हाँ स्टेट का क्या पर्पस है स्टेट या सोवरेनिटी का सिर्फ एक पर्पस है कि ये जो एक्सचेंज ऑफ सर्विस है या जो ये सोशल सॉलिडारिटी है बस उसको स्टेट या सोसाइटी मेंटेन करे उसके अलावा जो बाकी जो भी सोवरेनिटी का अभी तक जो मीनिंग दिया है इट हैज नो रेलिवेंस फॉर डगिट ठीक है इसका क्रिटिसिज्म क्या है सर क्रिटिसिज्म ये है कि ये आ, इग्नोर करता है नेचर ऑफ एथिकल फोर्सेस और सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात करता है एथिकल फोर्सेस या जो हमारा फिलोसफिकल स्कूल है उसकी थ्योरी को डगेट पूरी तरीके से इग्नोर करता है एथिक्स को और मोरालिटी को और सिर्फ जो करंट फैक्ट्स चल रहे सोसाइटी में उसके बेसिस पे अपनी थ्योरी देता है ऑस्टिन से अलग हटके डगेट बोलता है कि स्टेट की कोई पर्सनैलिटी ही नहीं है और स्टेट को सिर्फ एक सोशल फैक्ट बना के रख दिया है इसने ठीक है फिर ये बोलता है कि इसकी थ्योरी में जो है इनकन्सिस्टेंसी है क्योंकि ये कलेक्टिव uh, क्या कर रहा है? द ही रिकोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड काउंट्री टू इट डिनाइज द कलेक्टिव पर्सनैलिटी टू स्टेट और ग्रुप्स सोसाइटी को देख रहा है ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह बट एक कलेक्टिव ग्रुप को या एक सोवरेन को ये कोई स्टेटस नहीं दे रहा है ओके दीज आर द्री क्रिटिसिजम्स ऑफ डगिट्स थ्योरी फिर हम आ रहे हैं रॉस्कोपाउंड के ऊपर जो बात करते हैं फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ लॉ की इन्होंने ही बात की है सोशल इंजीनियरिंग की सोशल इंजीनियरिंग जो टर्म है वो डगे वो रॉस्कोपाउंड लेके आए थे रॉस्कोपाउंड पाउंड ने कहा कि लॉ इज नॉट अ सेट ऑफ रूल्स बट अ मेथड और टेक्निक मेथड और टेक्निक फॉर हार्मेनाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल इंटरेस्ट जब भी सोशल इंटरेस्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हार्मोनाइज करने के लिए हम लॉ लेके आते हैं और यही है सोशल इंजीनियरिंग इन्होंने कहा कि लॉ शुड बी बिल्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी टू सोसाइटीफाई मैक्सिमम वांट्स मैक्सिमम वांट्स को सैटिस्फाई करो मिनिमम फ्रिक्शन और मिनिमम वेस्ट के साथ सेटिस्फाई मैक्सिमम वॉन्ट्स विथ मिनिमम फ्रिक्शन और मिनिमम वेस्ट ठीक है और इन्होंने पांच चीजें बोली थी फाइव पॉस्ट्यूलिट्स थे ऑफ रॉस्कोबाउंड पहला इन्होंने बोला कि क्रिमिनल लॉ बनाओ फॉर अग्रेशन अगर कहीं भी अग्रेशन हो रहा है उसके लिए क्रिमिनल लॉ बनाएंगे कहीं भी क्रिएटिव इंटरेस्ट की बात है तो वहां पे लॉ ऑफ पेटेंट्स बनाओ अगर किसी की मिस्टेक्स जैसे कि नेग्लिजेंस वगैरह रैक्टिफाई करना है तो लॉ ऑफ टॉट्स बनाओ किसी के बीच में अग्रीमेंट कैसे डील होगा उसके लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और जहां पर हजार डस्टैसेज इन्वॉल्व है वहां पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करो ये पांच जो चीजें रॉस्कोपाउंड ने बोली थी और रॉस्कोपाउंड ने डिवाइड करे थे तीन तरीके से इंटरेस्ट जिनके बेसिस पे लॉ बनने चाहिए पहला था प्राइवेट इंटरेस्ट जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है पर्सनल सिक्योरिटी की बात होती है तो इसके एम्बिट में फॉल करता है क्रिमिनल लॉ कॉन्ट्रैक्ट लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ये सब फिर है पब्लिक इंटरेस्ट जो कि स्टेट के प्रजर्वेशन के लिए स्टेट के रिलेशन के लिए नेसेसरी है और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट एक्ट जो है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट जो है उस टाइप की चीजें पब्लिक इंटरेस्ट के अंडर फॉल करती हैं और तीसरा इंटरेस्ट होता है सोशल इंटरेस्ट विच इज नेसेसरी फॉर द पीस हेल्थ एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द सोसाइटी और इसके लिए हमारा जो आर्टिकल 19 टाइप की जो चीजें हैं जो फंडामेंटल राइट की जो टाइप की जो चीजें हैं सोशल इंटरेस्ट इसका क्रिटिसिज्म क्या था इसका क्रिटिसिज्म यह था कि ये बहुत ही टेक्निकल तरीके से इसने थ्योरी को एक्सप्लेन किया है कोई भी जेनरिक टर्म्स यूज नहीं करें टर्म्स लाइक फ्रिक्शन वे सोशल इंजीनियरिंग इस टाइप के मैकेनिकल टर्म्स यूज करके लॉ को सिर्फ एक थ्योरी बना दिया है और सोसाइटी से उसको कनेक्ट नहीं करा है ठीक है फिर इसका दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि भाई एक्स्ट्रा एन्फिस ऑन इंजीनियरिंग ही हैज एक्चुअली अंडरमाइंड द अंडरमाइंडिक फीचर ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लॉ इन द सोसाइटी जो डायनेमिक फीचर है कांस्टेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का उसको इग्नोर कर दिया है फिर बोला कि इसका प्री ऑक्यूपाइड है इन द अरेंजमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिड नॉट डिस्कस द इफेक्ट ये सिर्फ प्री ऑक्यूपाइड था तीन तरीके से डिवाइड करने में लॉ को और उनका इफेक्ट क्या होगा या उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा सोसाइटी में उसके बारे में रॉस्कोपाउंड ने कोई बात नहीं करी दीज वर वीटिस क्रिटिसिजम फॉर दियोरी ऑफ रॉस्कोपाउंड ठीक है फिर एलरिच है एलरिच ने ये बोला था कि लिविंग लॉ होता है एक लिविंग लॉ क्या होता है जो लॉ ओरिजिनेट होता है सोसाइटी से नॉट फ्रॉम द कोर्ट्स और लेजिसलेसन जो सोसाइटी से खुद लॉ ओरिजिनेट होता है दैट इज अ लिविंग लॉ फिर आयरिंग भी इसी स्कूल के थे इनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल कहते हैं आयरिन को क्या कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल इन्होंने सोशियोलॉजिकल स्कूल को और एनालिटिकल स्कूल को क्लब करा था सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलता है कि सोसाइटी के साथ लॉ को देखो एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन वाली जो चीज होती है वो बेसिकली एनालिटिकल स्कूल बोलता है इसने उन दोनों को क्लब करा और बोला कि स्टेट शुड प्रोटेक्ट सोशल इंटरेस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल ठीक है स्टेट का क्या काम है कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लॉ बनाए इस तरीके से आयरिंग ने एनालिटिकल स्कूल और पॉजिटिव स्कूल पॉजिटिव स्कूल और सोशियोलॉजिकल स्कूल को मर्ज करा था ओके okay, इसीलिए आयरिंग को क्या कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल स्कूल फिर हम आते हैं नैचुरल लॉ पे नेचुरल लॉ क्या बात करता है कि एथिक्स और मॉरल जो होते हैं आपके और जो मेड लॉ है इट शुड बी द बेसिस ऑफ लॉ ठीक है इसमें हमारे पहले तो हम मैंने सारे यहाँ नहीं है टेल यू इसमें पहले आते हैं आपके सोक्रेटस एरिस्टोटल और कौन आता है प्लेटो आता है ठीक है सोक्रेटस बोलता है कि ट्रूथ और मॉरल वैल्यूज जो है उनके बेसिस पे लॉ होना चाहिए नेचुरल जस्टिस होना चाहिए और लीगल जस्टिस होना चाहिए नेचुरल जस्टिस क्या है जो नेचुरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है और लीगल जस्टिस वो है जो किंग मेड लॉ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा ठीक है सोक्रेटस के बेसिस पे ही एक सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग भी है ये यूजीसी नेट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है सोक्रेटिस uh, की क्या प्रैक्टिस थी वो जाता था ऐसे शहर में घूमता था और कहीं भी जाके बैठ जाता था चबूतरे पे ठीक है और आसपास के लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछने लगता था कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से लॉ कैसा होना चाहिए तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से लॉ कैसा होना चाहिए इस तरीके से लोगों का ओपिनियन लेके सॉक्रेटिस ने अपनी थ्योरी डेवलप करी और उसके बेसिस पर उसने कहा कि और मॉरल वैल्यूज जो है दैट इज लॉ वर्च्यू वॉज नॉलेज द स्टेटमेंट ऑफ सोक्रेटस ठीक है और सोक्रेटिक मैथड ऑफ स्टडी ऑफ टीचिंग लाया था कि सबसे पूछ पूछ के सबके इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ जब पढ़ाया जाता है उसको सोक्रेटिक मेथड ऑफ स्टडी कहते हैं फिर प्लेटो कौन था प्लेटो जो था वो सोक्रेटिस का ही स्टूडेंट था और उसने कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट की बात करी और रिपब्लिक क्या होता है उसकी बात करी उसने कहा कि एक हेड होना चाहिए स्टेट का जो लॉ बनाएगा और वही रिपब्लिक होता है उसने कहा इंटेलिजेंट और वर्दी इंसान जो होता है उसको किंग बनाओ उसके थ्रू रिपब्लिक बनाओ वो इंटेलिजेंट और वर्दी होगा तो वो जो लॉ बनाएगा वो ट्रूथ और विजडम पे बेस्ड होगा ओके जस्टिस कैन बी अचीव थ्रू रीजन एंड विजडम एंड मोटिवेटिंग मैन टू कंट्रोल हिज पैशन एंड डिजायर्स ओके okay. इसके बाद एरिस्टोटल आता है एरिस्टोटल ने ज्यादा लॉजिकल इंटरप्रिटेशन दिया उसने कहा कि जो लॉ है वो गॉड ने बनाया है और जो नेचुरल लॉ है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ मेड बाय गॉड हाँ एंड इट शुड बी अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स डिजायर्स से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए लॉ लॉ इज वॉट इज मेड बाय द डिवाइन ठीक है फिर इसके बाद इसमें हमारे आते हैं थॉमस एक्विनास जो बोलते हैं कि लॉ जो है भले ही गॉड से हमने डिराइव करा है बट उसका एक रीजन लॉ होना चाहिए ठीक है आ, इनका एक बहुत फेमस कोट है जो कि है ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर द कॉमन गुड मेड बाय हिम हु हैज़ द केयर ऑफ द कम्युनिटी एंड प्रोमलगेटेड थ्रू द रीजन कौन बनाएगा लॉ जो कि कॉमन गुड ऑफ सोसाइटी देखता है और जो केयर करता है कम्युनिटी की वो लॉ बनाएगा गुड शुड बी डन एंड एंड ईविल शुड बी अवॉइडेड ये थॉमस एक्विनास ने कहा था ठीक है ये सब मैंने आपको तो मेरे नोट से बता दिया यहाँ पे नहीं था ये ओके okay. फिर हम ह्यूगो क्रोशियस पे आते हैं you, तो सबसे पहले तीन हमारे ही बुढ़े बुढ़े लोग सॉरी बट जस्ट टू रिमेंबर द ओल्ड पीपल प्लेटो सॉक्रेटस का डिसिप्लिन प्लेटो और फिर उसके बाद एरिस्टोटल फिर आया था थॉमस एक्विनास सोक्रेटस uh, ने कहा कि विजडम और ट्रूथ के बेसिस पे लॉ बनाना चाहिए फिर प्लेटो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लेके आया उसने कहा कि एक किंग होना चाहिए जो कि वाइज होना चाहिए और इंटेलिजेंट होना चाहिए और वो सबके भले के लिए लॉ बनाएगा फिर एरेस्टोटल आया एरेस्टोटल ने कहा कि जो गॉड ने लॉ लिख दिया है वही लॉ है उसके बेसिस पे लॉ बनाओ फिर एक्विनास आया एक्विनास ने कहा कि गॉड ने जो लिख दिया है वो तो ठीक है बट उसके साथ रीजन को भी मर्ज करो कॉमन गुड के बेसिस पे लॉ बनाओ ओके फिर ह्यूगो ग्रोशियस ये आपके अब थोड़े से लिबरल टाइप के जो नेचुरल लॉ वाले थे वो आए के वो ग्रेशियस को कहते हैं फादर ऑफ नेचुरल लॉ स्कूल इसने बोला इसने लॉ ऑफ वॉर एंड पीस दिया था इसने कहा कि जब वॉर होता है या पीस होता है तो किस बेसिस पे हम डिराइव करेंगे कि क्या लॉ है तो उस टाइम पे जिस तरीके से जो लॉ मेड बाय गॉड है उसको हम एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड रख के उसके बेसिस पे हम सोचेंगे कि जब वॉर हो रहा है तो किस तरीके से हम क्या कंडक्ट करें

लॉ ऑफ वॉर एंड लॉ ऑफ पीस क्या होना चाहिए वो ह्यूगो ग्रोशियस की जूडसप्रोडेंट से ही हम डिराइव करते हैं फिर जॉन लॉक ने क्या बात की थी लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करी थी विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉज ऑफ एनी सोसाइटी उसने कहा किसी भी सोसाइटी में कोई भी लॉ हो बट हर इंडिविजुअल के पास एक राइट टू लाइफ लिबर्टी और प्रॉपर्टी होता ही है मैन जो है वो नेचुरली फ्री और इक्वल होता है और उसी की वजह से उसके पास पावर होती है

इन्होंने कहा कि नेचुरली फ्री एंड इक्वल होता है और उसकी बेसिस पे उसके पास एक राइट right होती है कि जो भी सोवरेन या जो गवर्नमेंट है उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट कर सके सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर सके और ये जो मेजो ये जो गवर्नमेंट है वो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपहोल्ड करेगी सपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल और डोमिनेंट पार्टी रूल सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर की बात करी थी

जॉन रूसो जॉन रूसो क्या बात करता है मेंस इन टू हिज ओन नीड्स इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल सोसाइटल इज ये कहता है कि जो आदमी अपनी खुद की गलतियां करता है उसी की वजह से सोसाइटी में सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं ये कहता है कि अगर एक गुड गवर्नमेंट आएगी तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान की गलतियों से होती है वो क्योर हो जाएगी और सिटीजंस को फ्रीडम मिलेगा According to to him, social contract is where government provides individual freedom to all citizens with certain constraints. अकॉर्डिंग कह रहा था कि जो फ्रीडम है और रूसो कहता है कि फ्रीडम जो है उसको एब्सोल्यूट नहीं रख सकते उसके ऊपर कुछ कंडीशन और कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है जैसे हमारे आर्टिकल नाइनटीन के अंदर क्लास टू से लेके क्लास सिक्स तक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज है सिमिलर बात की जॉन रूसो कहता है एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी एंड लॉ एग्जिस्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है और लॉ है इंडिविजुअल तो नहीं सकती कंडक्ट कि किसी नेगुलेटेड रहेगा ओके इंडिविजुअल ओके अः अब रियल स्कूल बहुत छोटा सा पढ़ाऊंगी मैं रियल स्कूल क्या है ह्यूमन इमोशंस की बात करता है और बोलता है कि जज मेड लॉ जो है वही लॉ है ठीक है ये बोलता है लॉ इज वॉट कोर्ट डू और कोर्ट जो बोलते हैं वही लॉ है सोर्सेज ऑफ लॉ इसके लिए जजेस और लॉयर्स जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड स्टेडिस को फॉलो करता है हाँ मोस्टली रियलिस्ट स्कूल जो है ये लेफ्ट विंग स्कूल है ठीक है ये एक थ्योरी है नॉट रियलिस्ट स्कूल इट इज बेसिकली अ थ्योरी जो लेफ्ट विंग ज्यूरिस्ट ने या लॉयर्स ने डेवलप करी है इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शनल स्कूल इनके अकॉर्डिंग जो जजमेड लॉ है वही लॉ है या वही जेन्यून लॉ है क्योंकि वो एक्चुअल फैक्ट्स और सिचुएशंस को देखते हुए लॉ बनाते हैं इसके मेजर थियोरिस्ट हैं जॉन ग्रे जस्टिस होम्स जेरेमी फ्रैंक और ओलिवर हेंडल होम्स ओके ठीक है दिस इज रियलिस्ट स्कूल इसके बाद आपका एक स्कूल और बच गया है जो कि है आपका फिलोसफिकल स्कूल वो भी मैं नोट से ही कराऊंगी फिलोसोफिकल स्कूल बात करता है कि एथिक्स और मोरालिटी एथिक्स और मोरालिटी से डिवोर्स नहीं होना चाहिए लॉ एथिक्स और मोरालिटी के साथ लॉ होना चाहिए दिस इज फिलोसफिकल स्कूल इसको एथिकल स्कूल भी बोला जाता है ठीक है इसके हमारे सबसे इंपॉर्टेंट ज्यूरिस जो है वो है ग्रोशियस यूगोग्रोशियस ग्रोशियस बोलते हैं कि इसको ही फादर ऑफ फिलोसफिकल ज्यूर स्ट्रूडें भी कहते हैं ग्रोशियस को इन्होंने कहा या फादर ऑफ मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन क्वेश्चन हमने पढ़ लिया राइट इमैनुअल हमने नहीं पढ़ा इमैनुअल कांत बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ मैन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विल एंड एथिकल पोस्टुलेट्स आर मॉरली को रिलेटिव मैन कैसे काम कर रहा है उसका काम होना चाहिए उसके एथिकल एक्शन के अकॉर्डिंग और उसी के बेसिस पे लॉ को बनना चाहिए ये मेटाफिजिकल uh, एक मेटाफिजिकल मेथड दिया है जो मेटाफिजिकल मेथड है वो इमैनुअल कांट ने दिया है उसमें वो एक्सप्लेन करता है कि इनहेरेंट और यूनिवर्सल एलिमेंट्स क्या है रियलिटी के जो कि हम डेली लाइफ में देखते हुए हमको जिनको डेवलप करना होता है एथिक्स और मोरालिटी को देखते हुए जो हमारी डेली लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए लॉ बनाना होता है ठीक है दिस इज इमैनुअल कांट ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फिलोसफिकल स्कूल में बाकी जो ज्यूरिस्ट हैं एक बार पढ़ लेना खुद से अब हम जो हमारे ज्यूरल को वाला पोर्शन है उस उसपे आते हैं पहले हम राइट्स एंड ड्यूटीज से स्टार्ट करेंगे तो लॉ क्या होता है एक ह्यूमन कंडक्ट होता है और ह्यूमन कंडक्ट किस चीज पे बेस्ड होता है राइट्स और ड्यूटीज पे बेस्ड होता है किसने दिए थे राइट्स एंड ड्यूटीज के ज्यूरल को रिलेटिव बताना मुझे बताओ सब दो दो ज्यूरिस्ट हैं सबसे पहले किसने दिए थे और तो फिर उसको एक्सपैंड किसने किया था दोनों चीजें बताओ बताओ ठीक <coughs> है तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ जब तक आप लोग बता रहे हो किस टाइप की होती है दो तरीके की राइट right होती है एक लीगल राइट right होती है एक मॉरल और नेचुरल राइट होती है लीगल राइट right क्या होती है जब आप किसी लॉ के अंडर कोई राइट प्रोवाइडेड है Hawfield ने एक्सपैंड किया था ओरिजिनली किसने दिए थे राइट वाले ड्यूटी एंड राइट्स के ज्यूरल को रिलेटिव हॉफी the है इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ सम अदर ज्यूरिस्ट नो नॉट एट ऑल ऑस्टिन प्लीज इतना भयंकर तुक्का मत लगाओ ठीक है लीगल राइट right जो है लीगल राइट right होती है इज एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल ऑफ लीगल जस्टिस जो कि आपके लेजिसलेशन के थ्रू प्रोटेक्टेड है इसका वायलेशन जो होता है वो एक लीगल रोंग होता है और उसका रिड्रेसल जो देती है वो स्टेट देती है सैंक्शन क्या होता है इसमें रिड्रेसल बाय स्टेट या फिर पनिशमेंट बाय स्टेट इज द देंशन ऑफ लीगल राइट सॉरी फिर मॉरल और नेचुरल राइट्स क्या होती है मॉरल और नेचुरल राइट्स वो होती है जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही है और अगर आप उसमें कुछ गलत करते हो तो उसके लिए कोई प्रॉपर सैंक्शन नहीं है बट सिर्फ मॉरल और सोशल डिसप्रोबेशन होता है ठीक है मॉरली और सोशली लोग आपको नीचे तरीके से देखेंगे उसके अलावा इसमें कोई वो नहीं है ठीक है फिर ऑस्टिन और हॉलैंड ने बोला कि राइट जो होती है इट रिसाइड इन डिटर्मिनेट पार्टी एक पार्टी में राइट right रिसाइड करती है जो कि देता कौन है लॉ वो राइट right देता है और वो इंसान किसके अगेंस्ट राइट एक्सरसाइज कर सकता है किसी ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जिसके पास वो राइट right नहीं है जिस पार्टी के पास वो राइट right नहीं है उसके अगेंस्ट हम राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं डिटर्मिनेट पार्टी में होती है लॉ देता है और अवेल कर सकते हैं अगेंस्ट द पर्सन हु डज नॉट हैव दैट राइट ये ऑस्टिन और होलैंड ने बोला था फिर सैलम ने बोला था कि राइट जो है इट इज एन इंटरेस्ट रिकोगनाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लीगल रूल्स राइट क्या है एक इंटरेस्ट है जो कि प्रोटेक्ट करा है लीगल रूल्स ने और उसका रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है और अगर उसका डिसरिगार्ड करेंगे तो वो एक रॉन्ग है राइट का रिस्पेक्ट राइट रिकोगनाइज बाय द स्टेट उसका रिस्पेक्ट uh, करना इज आर ड्यूटी उसका डिसरिगार्ड करना इज रॉन्ग वेरी नाइस ओके थ्योरीज ऑफ राइट क्या क्या है पहली है विल थ्योरी विल थ्योरी के सपोर्टर्स ये सब थे ऑस्टिन होलैंड पोलॉक हीगल थ्यूम इन सब ने विल थ्योरी को सपोर्ट करा विल थ्योरी क्या होती है कि राइट right जो है वो ह्यूमन विल से इमर्ज होती है जो ह्यूमन चाहते हैं उसके बेसिस पे राइट right बनाई जाती है दैट इज विल थ्योरी नेचुरल राइट की थ्योरी को सपोर्ट करती है इसमें इसका इसमें पर्पज ऑफ लॉ इज टू अलाउ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ सिटीजन विल पर्पस ऑफ लॉ क्या है सिटीजन की विल का फ्री एक्सप्रेशन जो होम्स थे उन्होंने इसको सपोर्ट करके बोला कि लीगल राइट इज अ परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टेन नेचुरल पावर्स अपॉन सर्टेन कंडीशन टू ऑपटेन प्रोटेक्शन रेस्टिट्यूशन और कॉम्पेसेशन बाई एड ऑफ पब्लिक फोर्स इनने कहा राइट का सिर्फ एक ही पर्पज है कि हम किसी से प्रोटेक्शन सीख करते हुए रेस्टिट्यूशन और कॉम्पनसेशन को डिमांड कर सकें डुगेट ने विल थ्योरी को क्रिटिसाइज करा विल थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि पर्पस ऑफ लॉ जो होता है वो सोशल सॉलिडारिटी को फर्दर करना होता है और इंडिविजुअल विल को फर्दर करना नहीं होता है ठीक है uh, इसके बाद है इंटरेस्ट थ्योरी ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज इसमें आयरिंग ने ये थ्योरी दी थी इंटरेस्ट थ्योरी और इन्होंने कहा कि पर्पस ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट टू विच एग्जिस्ट इन द कम्युनिटी एंड आर चोजन टू बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट राइट इज नॉट द विल और अजर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स उसने कहा कि इंडिविजुअल्स के विल के बेसिस पे राइट right नहीं आती है बट जहां पर स्टेट को लगता है कि कुछ राइट्स बनाना इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट या इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वहां पर राइट्स बनाई जाती हैं सैलमन ने इस थ्योरी को सपोर्ट करा और बोला कि राइट्स आर इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय मॉरल और लीगल रूल्स राइट्स क्या है इंटरेस्ट हैं जिनको मॉरल और लीगल रूल्स प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है, है? फालतू तो की बात है नहीं मतलब फालतू तो की बातें नहीं है अच्छी बातें हैं बट याद रखना डिफिकल्ट है तो राइट क्या होता है ह्यूमन विल प्लस एंड इंटरेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डीज थ्योरीज परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ राइट देती है बेसिकली राइट right के लिए हमें दोनों थ्योरीज को मर्ज करना पड़ेगा विल थ्योरी को भी और इंटरेस्ट थ्योरी को भी अब एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट सैलम ने क्या क्या दिए थे सैलमन ने भी चार एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट दिए थे कि कब एक लीगल राइट एक्सरसाइज की जा सकती है और क्या होती है लीगल राइट right? तो पहले लीगल राइट एक्सरसाइज करने के लिए एक सब्जेक्ट होना चाहिए सब्जेक्ट कौन होता है वो इंसान जिसके पास एक लीगल राइट right होती है उसके बाद एक इंसिडेंट या ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो कौन होता है वो इंसान जिसके ऊपर ड्यूटी होती है टू प्रिजर्व माय राइट फिर कंटेंट होना चाहिए वो राइट right जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए ऑब्वियसली <coughs> फिर टाइटल होना चाहिए टाइटल कैसे मिलेगा टाइटल ऐसे मिलेगा कि फैक्ट्स क्या हैं और क्या हुआ है जिसकी वजह से आपके पास वो राइट right आई है या सामने वाले के पास ड्यूटी आई है ओके okay? तो एलिमेंट्स ऑफ लीगल राइट्स अकॉर्डिंग टू फोर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंटेंट एंड टाइटल इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स बहुत सारी तरीके से राइट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है एक होती है एंटीसीडेंट या रेमेडियल राइट्स। इनको सब्सटैंडिव और एडजेक्टिव राइट्स भी कहते हैं क्या होती है सबस्टेंटिव और एडजेक्टिव राइट्स बताओ कोई मुझे

ठीक है अब रेमेडियल राइट्स क्या होती है जब यहाँ इस राइट right का वायलेशन हो गया तो जहाँ आप जाके रेमेडी सीख करते हो डेट इज नोन एज रेमेडियल राइट रेमेडियल राइट जो होती है मोस्टली राइट इन परसोनम होती है जब एक्स ने वाई ने एक्स को डीफेम किया तो एक्स के पास ऑप्शन है कि वो जाके रेमेडी सीख करे लॉ में कॉम्पनसेशन ले ले ठीक है इन्हीं को प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स कहते हैं इन्हीं को सब्सटैंडिव एंड प्रोसीजरल राइट्स कहते हैं जो आपकी एंटीसीडेंट राइट्स हैं सब्सटैंड राइट्स होती हैं जो रेमेडियल राइट्स हैं वो बेसिकली आपकी प्रोसीजरल राइट्स होती हैं, ठीक है फिर होती हैं परफेक्ट एंड इम परफेक्ट Perfect परफेक्ट राइट्स rights. Rights क्या होती हैं? जिनके साथ एक को रिलेटिव ड्यूटी होती है और जो लीगली इनफोर्सिएबल होती हैं वो होती हैं परफेक्ट right. rights. और इम परफेक्ट वो होती हैं जो कि रिकोगनाइज बाय लॉ होती हैं बट लीगली enforceable नहीं होती इम परफेक्ट राइट्स का कोई एग्जाम्पल देगा मुझे ठीक है इम्परफेक्ट राइट्स का कोई example देखा फालतू की बकवास मत करो बॉक्स में ना पढ़ना है तो पढ़ो बहुत देर से देख रही हूं मैं इम्परफेक्ट राइट्स का example है D.P.S.P. ओके okay? डी जो होती है वो आपकी इम्परफेक्ट rights है वो आपको अलाउड है बट वो enforceable नहीं है ठीक है जो आपकी फंडामेंटल राइट्स होती है वो आपकी बेसिकली परफेक्ट राइट्स होती है इसका एक एग्जांपल और है कि अगर मेरे पास एक राइट right है टू टेक अ डेट तो दैट विल बी माई परफेक्ट राइट बट वो डेट रिकवर करने का टाइम अगर टाइम बार हो गया है तो वो मेरी इम परफेक्ट राइट बन जाएगी इफ इट इज बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन दैट जस्ट एन एग्जाम्पल फिर होती है वेस्टेड राइट्स और कंटेंजेंट राइट वेस्टेड राइट्स क्या होती हैं जहाँ पे सारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं और जो राइट्स हैं वो आप में पूरी तरीके से वेस्ट करती हैं इमीडिएट इंटरेस्ट है और ट्रांसफरेबल हैं और हेरिटेबल भी होती हैं वेस्टेड राइट्स फिर कंटेंजेंट राइट्स वो होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं ऑन द कंडीशन फिर राइट इन रैम क्या होता है राइट इन रैम इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड एंड राइट इन परस इज अवेलेबल ओनली अगेंस्ट डेफिनेट पर्सन ओके जैसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी इज अ राइट इन रैम आई द वर्ल्ड एंडवर रेंट इज नियरली से राइट रेंट रिकवर कर सकती हूँ फिर आपके होते हैं प्रोप्राइटरी राइट्स और पर्सनल राइट प्रोपराइटरी राइट्स होती है जो प्रॉपर्टी में एक्जिस्ट करती है ट्रांसफरेबल राइट्स होती है पर्सनल राइट होती है जो टूवर्ड्स योर बॉडी एग्जिस्ट करती है ओके फिर राइट्स एंड रिप्रोप्रिया राइट्स एंड री एलिनिया राइट एंड रिप्रोप्रिया थिंग्स से रिलेटेड जो आपके सामान से रिलेटेड राइट्स होती है वो होती है राइट्स इन री एलिनिया होती है राइट इन थिंग्स ऑफ अदर्स दूसरों की चीजों में जो राइट होती है वो राइट्स इन री एलिनिया होती है जैसे की बेलमेंट से रिलेटेड जो राइट right है वो राइट इन री एलिनिया है और इनकमेंसेज या मोटिगेज से रिलेटेड जो राइट right होती है वो राइट इन री एलिनिया होती है फिर लीगल और इक्विटेबल राइट्स होती है लीगल राइट वो होती है जो ऑटोमेटिकली इन्फोर्स करा सकते हैं हम कोर्ट में और इक्विटेबल राइट वो होती है जिनके लिए कोई प्रॉपर लॉ नहीं है बट कोर्ट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड कॉन्शियसनेस खुद से लोगों को प्रोवाइड करा देता है दैट इज इक्विटेबल राइट इंडिया में इक्विटेबल कोर्ट का या इक्विटेबल राइट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे यहाँ सिर्फ लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट है ओके okay. फाइनली फिर ड्यूटी क्या होती है ड्यूटी इज एन एक्ट विच वन ऑट टू डू ड्यूटी क्या होती है अगर आपके पास राइट है तो किसी के पास ड्यूटी होगी और ड्यूटी का परफॉर्मेंस जरूरी है ड्यूटी आपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी तो उसका ऑपोजिट होता है wrong. ये ने दे ने दी दी दे थी, थी फिर भी कुछ-कुछ ड्यूटी की इन सब ने जो कि मैं स्किप कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ फाइनली ज्यूरल रिलेशन पे तो जो हमारे सैलमंड जी है ना इन्होंने सबसे पहले दिए थे चार ज्यूरल रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी तो जो भी ऑस्टिन बोल रहा था ना दैट इज नॉट राइट ओके इन्होंने कहा कि लीगल आर राइट को रिलेटिव ड्यूटी होती है रिलेशन बिटवीन दीज राइट एंड को रिलेटिव इज कॉल्ड एज जूरल को रिलेशन फिर हॉफील्ड uh, फील्ड ने इसी थ्योरी को एक्सपैंड करा था और हॉफील्ड ने राइट की जगह क्लेम वर्ड का यूज किया हॉ का जो ज्यूरल को रिलेटिव है इट इज क्लेम एंड ड्यूटी ओके तो इन्होंने क्या दिए ज्यूरल को रिलेटिव दिए पहले ये कि अगर किसी के पास राइट है तो जो ऑपोजिट पर्सन है उसकी ड्यूटी है कि वो उसकी राइट का वायोलेशन ना करे अगर मेरे पास राइट है टू एक्सरसाइज फंडामेंटल ड्यूटी मेरे पास राइट टू लाइफ है अगर आ, तो आपके ऊपर ड्यूटी है कि यू विल नॉट किल मी ओके दैट इज राइट एंड ड्यूटी फिर प्रिवलेज एंड नो राइट अगर मेरे पास कोई प्रिवलेज है जैसे कि इफ आई हैव द प्रिविलेज टू स्टे इन माय होम टू रोम अराउंड इन माय गार्डन सो दैट इज माय प्रिविलेज तो आपके पास राइट नहीं है कि आप उसमें अंदर घुस सको ठीक है ये ड्यूटी नहीं है बट दिस इज एन एब्सेंस ऑफ राइट दिस इज प्रिविलेज एंड नो राइट का रिलेशनशिप फिर होता है पावर एंड लायबिलिटी अगर मेरे पास पावर है तो मैं आपको ऑर्डर दे सकती हूं या डायरेक्शन दे सकती हूं टू

और अगर इम्यूनिटी है तो इम्यूनिटी वाला इंसान कभी भी उसके पास लाइबिलिटी नहीं आएगी ओके okay? तो ये ज्यूरल ऑपोजिट्स हैं और ये ज्यूरल को हैं। बस इनको क्रॉस कर दोगे ना अगर तो यहाँ पर ज्यूरल ऑपोजिट्स बन जाएंगे ओके दिस इज योर राइट्स एंड ड्यूटीज का जूरल रिलेशनशिप नाउ वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पजेशन पजेशन और ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है कोई मुझे बॉक्स में बताएगा बताओ कोई चैट बॉक्स में डिफरेंस बिटवीन एंड ओनरशिप तब तक लेट स्टार्ट ने बोला कि क्या है लॉ इज द डेफिनेशन ऑफ अ जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ साउंडनेस व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड एज इज नो वेयर टू बी फाउंड उसके हिसाब से पजेशन को हम कहीं भी फाइंड नहीं कर सकते हैं कि क्या है पर मार्क बी ने बोला कि डिटर्मिनेशन टू एक्सेसिव फिजिकल कंट्रोल ओवर अ थिंग

कंटिन्यूंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम अगर कोई चीज का कोई इंसान कंटिन्यूसली किसी चीज पे क्लेम कर रहा है और दूसरा इंसान नहीं कर रहा है तो दैट इज ऑल्सो पोजेशन एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन क्या होते हैं फिजिकल पोजेशन होना चाहिए या ऑब्जेक्टिव पोजेशन होना चाहिए और मेंटल पोजेशन होना चाहिए फिजिकल पोजेशन को हम कहते हैं कॉर्पस पजेशनिस्ट फिजिकली आपके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन होना चाहिए दैट इज कॉर्पस पजेश प्लस एनिमल डोमिनी एनिमल डोमिनी इज योर इंटेंशन टू पजेस दैट प्रॉपर्टी ठीक है अब पोजेशन जो कॉर्पस फिजिकल पोजेशन है वो दो तरीके का हो सकता है एक एक्चुअल पोजेशन हो सकता है और एक कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हो सकता है एक्चुअल पोजेशन मतलब मेरे ही पास प्रॉपर्टी है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब मैंने मोटिगेट uh, कर दी है या मेरे उसमें टेनेंट रह रहा है दैट कैन बी अ मोटिगेट इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव पोजेशन ठीक है फिर पजेशन इन फैक्ट क्या होता है अगर आपके पास किसी चीज का फिजिकल पजेशन या फिजिकल कंट्रोल है तो पजेशन इन फैक्ट होता है पजेशन इन फैक्ट इज नॉट ऑलवेज इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट पजेशन इन फैक्ट किसी के भी पास हो सकता है सर्वेंट के पास भी हो सकता है ओनली पजेशन इन लॉ इज इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ पजेशन इन लॉ क्या होता है जब आपका कोई लीगल रिलेशनशिप है उस प्रॉपर्टी से देन दैट इज कॉल्ड पजेशन इन लॉ ठीक है फिर थ्योरीज ऑफ पजेशन पे आते हैं सैविग्नी ने दी थी पहली थ्योरी जिसमें कॉर्पस पजेशन और एनिमिस एनिमस डोमिनी की बात हुई थी ये थ्योरी सैविग्नी ने ही दी थी पर इसमें कहा था कॉर्पस पजेशन के दो चीजें होती हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ द पजेशन आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए पहली चीज और दूसरी चीज आपके पास केपेबिलिटी या पावर होनी चाहिए टू रिटेन दैट पजेशन ठीक है commencement of the at commencement of the possession there must be an actual physical power of using the thing by oneself and retention of possession फिर animus कैसा होना चाहिए mental आपका जो intention है वो ऐसा होना चाहिए कि आप दूसरों को exclude करना चाहते हो उस possession से ये सेविगनी ने कहा था बट इसका क्रिटिसिज्म ये था कि actual physical power जो है सालमन ने क्रिटिसाइज किया और सालमन ने कहा कि जो actual physical power है वो जरूरी नहीं है और और क्या जरूरी है Uh, अगर एक्चुअल फिजिकल पावर जरूरी होगी तो चाइल्ड का या डेड मैन का जो इंसान डेथ बेड पे है या जो विल बनाने वाला है या जो कोई एक बच्चा है उसके पजेशन को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इसलिए एक्चुअल फिजिकल पावर इज नॉट नीडेड फिर डायस ने क्रिटिसाइज करके बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ एंड फिजिकल कंट्रोल जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स ऑफ पजेशन है पजेशन इन इट नहीं है फिजिकल पावर जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती जिस के पास right है टू द प्रॉपर्टी एक्चुअल में उसी का पजेशन माना जाएगा ठीक है है फिर Salman कहता है कि पजेशन इन फैक्ट जो जो पजेशन की बात है वो एक फिक्शन है ऐसा सालमेंट कहता है कि पजेशन इन फैक्ट जो है वो एक फिक्शन है और अगर आपको एक्चुअली पजेशन इन लॉ चाहिए तो लीगल राइट right होनी चाहिए ठीक है आई एम मूविंग फॉरवर्ड मोड्स ऑफ पे आते हैं चार तीन तरीके से, तीन तरीके तरीके से से मोड अक्वायर किया जा सकता है एक टेकिंग होता है बिना कंसेंट के जब आप कोई चीज ले सकते ले लेते हो दैट इज कॉल्ड पजेशन बाय टेकिंग इसमें लीगल पजेशन होता है और डेरिवेटिव पोजेशन ओरिजिनल पोजेशन होता है और डेरिवेटिव पोजेशन होता है ओरिजिनल वहां होता है जब देयर इज नो प्रीवियस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी रेसनलिस केस में ओरिजिनल पोजेशन होता है वह प्रॉपर्टी इज रेसनलिस तो आपने जाके प्रॉपर्टी ले ली डेरिवेटिव पजेशन uh, जो होता है वो प्रीवियस ओनर है वहां पर तो आप राइटफुल तरीके से ले सकते हो रॉन्गफुल तरीके से ले सकते हो जब रॉन्गफुल तरीके, तरीके से आप पॉजेशन में आ रहे हो दैट इज और जहां पे आप राइटफुल तरीके से पजेशन में आ रहे हो दैट इज मे बी लाइक एन इनकीपर ऑफ अ होटल अगर होटल वाले को आपने पैसे नहीं दिए तो उसने आपका सामान रख लिया इन एक्सचेंज ऑफ द मनी दैट विल बी राइटफुल टेकिंग राइटफुल डेरेवेटिव टेकिंग फिर बाय डिलीवरी पोजेशन होता है जब कंसेंट ऑफ प्रीवियस ओनर के साथ आप डिलीवर कर रहे हो पोजेशन ये एक्चुअल हो सकता है या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है ठीक है फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में अब हम ओनरशिप के ऊपर आते हैं फटाफट तो खत्म करते हैं अब हम ओनरशिप क्या होता है ओनरशिप होता है रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड एन ऑब्जेक्ट ओनरशिप जो होती है ओनरशिप गिव्स द टाइटल वेयर एज पोजेशन पोजेशन गिव्स द राइट राइट ओवर अ प्रॉपर्टी अनुष्का मींस फिजिकल कंट्रोल ओनरशिप मींस रियल कंट्रोल राइट ओके राइट सबको पता है कि पोजेशन और ओनरशिप क्या होता है तो ओनरशिप में एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग होती है ठीक है ओनली फिजिकल ओनली फिजिकल होता है और ओनरशिप मेंॉ right okay? में क्या बोलते हैं कि possession and ownership different things है, बट अगर किसी के पास लॉन्ग पोजेशन आ गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का बीस साल तक कोई लॉ है जो इस चीज को रिकोगनाइज करता है जो एंशियट हिंदू लॉ में बोला है कि अगर किसी के पास इमोवेबल प्रॉपर्टी का बीस साल तक पोजेशन है तो वो उसका ओनर बन जाएगा और मूवेबल uh, प्रॉपर्टी का दस साल तक है तो वो उसका ओनर बन जाएगा इसके ऊपर बताओ कहीं लॉ है क्या हमारे पास और है तो क्या है वो लॉ और कहाँ दिया गया है ठीक है बताओ मुझे चैट बॉक्स में फिर इंग्लिश लॉ में बोलते हैं कि आइडिया ऑफ ओनरशिप जो है वो एब्सोल्यूट है राइट इवॉल्व थ्रू फ्यूडल सिस्टम ठीक है ऑस्टिन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ओनरशिप में ऑस्टिन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ये पांच कैरेक्टर्स तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देता है हमें पजे ओनरशिप के बोलता है ओनरशिप इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर होनी चाहिए यूजर के पास जो पावर है पा, किसी भी चीज को ओन करने की वो इनडेफिनेट होती है वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है ओके फिर अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिस्पोजल होनी चाहिए जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे भी डिस्पोज कर सकता है सेल कर सकता है लीज कर सकता है मोर्टगेज कर सकता है वट ही वॉन्ट फिर अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन होना चाहिए जो ओनर है उसके पास जो प्रॉपर्टी को लेके राइट है उसके ऊपर कोई टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा जैसे कि हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं वो ओनर नहीं होता क्योंकि उसके पास जो उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो सिर्फ एक लिमिटेड पीरियड का होता है तो जो ओनर होगा उसका इंटरेस्ट क्या होगा अनलिमिटेड इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन टाइम बार नहीं होगा अनरिस्ट्रिक्टेड पावर ऑफ डिस्पोजल है जैसे चाहे वैसे डिस्पोज करेगा और इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूज है हाँ सेक्शन ट्वेंटी सेवन ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो इसकी बात करता है बारह साल वाला जो था हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला ठीक है और उसके अलावा हमारा एक और है इजमेंट्री लॉ जो हमारा होता है उसमें भी बीस साल वाला प्रिंसिपल है ठीक है इजमेंट्री लॉ में बीस साल वाला प्रिंसिपल है और ट्वेंटी सेवन में ट्वेल्व ईयर्स वाला प्रिंसिपल है एडवर्स पजेशन ओके फिर हॉलैंड क्या हॉलैंड क्या बोलता है कि ओनरशिप क्या है वो बोलता है कि एक प्लेनरी कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट जहां पे आपके पास तीन राइट्स होती हैं हॉलैंड के हिसाब से पजेशन की राइट एंजॉयमेंट की राइट और डिस्पोजिशन की राइट तीनों राइट जिसके पास होती हैं वो ओनर होता है ऑल जो पजेशन की राइट होती है इट कैन बी सेपरेटेड और वो सेपरेशन जो होगा पजेशन की राइट का इट इज ऑलवेज थ्रू द विल ऑफ द ओनर एंजॉयमेंट क्या होता है राइट टू यूज प्लस बेनिफिट सब्जेक्ट टू द थर्ड पार्टी जैसे चाहे वैसे इंजॉय कर, कर सकता है जैसे चाहे वैसे डिस्पोज कर सकता है फिर सालमिन बात करता है कि ओनरशिप इन रिलेशन बिटवीन पर्सन एंड अ राइट वेस्टेड इन हिम जिस इंसान में किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई राइट right वेस्टेड है वही ओनर है ठीक है पर इसके हिसाब से सालमिन के हिसाब से जो ओनर है उसके पास राइट इन रैम पर सोनम रिप्रोपरिया रियल इनिया और सारी लिबर्टीज पावर्स एंड इम्यूनिटी सब कुछ होंगी तो इसका क्रिटिसिज्म किया है लोगों ने और लोगों ने कहा है कि ओनरशिप जो है वो राइट right से नहीं आती है ओनरशिप जो है प्रॉपर्टी से आती है ठीक है तो कुक ने इसका कुक जो है इन्होंने इसका क्रिटिसिज्म करके बोला कि रिलेशनशिप कन्फेशन कन्फ्यूजन ओनरशिप इज मेथड ऑफ एंजॉयमेंट रिलेशनशिप को आप घुसार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ओनरशिप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए होती है और उसके बाद ग्लैनविल विलियम्स ने कहा कि फ्रॉम इट अपीयर्स दैट ओनरशिप ऑफ राइट वाज प्रायर टू ओनरशिप ऑफ गुड्स बट हिस्टोरिकली इट इज रिवर्स ग्लान विलियम्स ने क्या कहा कि इसकी डेफिनेशन से ऐसा लगता है Salman की डेफिनेशन से कि पहले ओनरशिप ऑफ राइट्स आया फिर ओनरशिप ऑफ गुड्स आया बट एक्चुअली ओनरशिप ऑफ राइट्स जो है वो ओनरशिप ऑफ गुड्स से ही डिराइव हुआ है ठीक है ठीक है और फिर पोलक का डुगिट ने भी इनका क्रिटिसिज्म किया था डुगिट ने कहा था कि पर्सन ओन्स अ थिंग एंड नॉट अ राइट और पोलक ने कहा था कि ओनरशिप डज नॉट इंक्लूड ऑल राइट्स बट ओनली द रेसिड्यू ऑफ ऑल राइट्स पॉलक का क्या कहना था कि रेसिड्यू ऑफ ऑल राइट्स होता है वो ओनरशिप होता है विच इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन प्रिस्क्राइब बाय द लॉ ठीक है अब सैलम के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके ओनरशिप uh, के राइट टू पर्जेस होता है राइट टू यूज एंड एंजॉय होता है राइट टू कैपिटल होता है एक परपेचुअल राइट right होता है जो कि इनडिटर्मिनेट इन ड्यूरेशन होता है और रेसिडुअल राइट right होता है तीन चीजें पहले हमको काफी कुछ ओवरलैपिंग है इसमें सबसे पहले ऑस्टिन ने तीन चीजें बोली थी कि यूज कैसे भी कर सकते हैं टाइम लिमिट नहीं होगा डिस्पोज कैसे भी कर सकते हैं फिर उसके बाद हॉलैंड आया उसने एक चीज और इंक्रीज करी वो था पजेशन ठीक है उन सबको मर्ज करके एक साथ सैलब ने बोल दिया कि पजेशन का राइट है यूज एंड एंजॉय करने का राइट है कैपिटल की तरह उसको ट्रीट करने का राइट है एक परपेचुअल राइट है जो कि टाइम से लिमिटेड नहीं है और जितने भी बचे हुए राइट्स हैं वो सारे राइट्स हैं ओनरशिप के क्या क्या टाइप्स होते हैं कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है कॉर्पोरियल जो होती है वो मटेरियल और टैंजिबल चीजों के लिए होती है उसके बाद जो इनकॉर्पोरियल होती है वो इन थिंग्स के लिए होती है जैसे कि पेटेंट आईपीआर राइट्स जो भी हमारे होते हैं सोल ओनरशिप क्या है सिंगल पर्सन ओनर होता है और को ओनरशिप क्या होती है दो से ज्यादा लोग ओनर्स होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं टेनेंट्स इन कॉमन होता है और जॉइंट टेनेंसी होता है टेनेंट्स इन कॉमन में क्या होता है कि अगर को ओनर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग एयर होता है प्रॉपर्टी का उसको वो मिलती है उसके पास प्रॉपर्टी चली जाती है और जॉइंट टेनेंसी में अगर जो ओनर है वो मर गया तो जो एयर है उसके पास प्रॉपर्टी नहीं जाती है फिर ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप जिस इंसान के पास खुद की प्रॉपर्टी होती है उसको हम डायरेक्ट ओनरशिप बोलते हैं बट जहां पर हम एक ट्रस्ट क्रिएट करते हैं किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किसी दूसरे पर्सन को अथॉरिटी दे देते हैं उसको हम ड्यूप्लीकेट ओनरशिप भी बोलते हैं जो जिसको हम अथॉरिटी देते हैं उसको ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कहते हैं और जो अथॉरिटी देता है अगर मेरे पापा ने मेरे लिए ट्रस्ट क्रिएट करवाया तो मेरे पापा को बोलते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट मैं हूँ बेनिफिशियल ओनर और जिसको ट्रस्ट दिया है दैट विल बी द ट्रस्टी ओके These are basic I think, सबको पता है। फिर लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप होती है लीगल ओनरशिप वो होती है जो इंडिया में रिकोगनाइज है जो लॉ के तरह होती है लॉ के थ्रू होती है और इक्विटेबल ओनरशिप जो कोर्ट्स रिकोगनाइज करते हैं विच इज नॉट एडमिसबल इन इंडिया तो मोटिगेजर की जो राइट right है वो लीगल ओनरशिप है और जो हाँ राइट right. फिर वेस्टर्ड और कंटेन्ट ओनरशिप वेस्टर्ड वेस्टर्ड ओनरशिप वो होती है जिसमें परफेक्ट ओनरशिप मिलती है और एब्सोल्यूट ओनरशिप मिलती है और कंटेंजेंट ओनरशिप वो होती है जो कि डिपेंडेंट होती है ऑन द डूइंग और नॉट डूइंग ऑफ अ सर्टेन एक्ट अगर कोई कंडीशन फुलफिल हो गई तो कंटेंजेंट uh, ओनरशिप में जो टाइटल है वो परफेक्ट हो जाता है ठीक है अब हम लीगल पर्सनैलिटी पे आते हैं सबको पता है दो टाइप की लीगल पर्सनैलिटी होती है एक लिविंग और एक लीगल फिक्शन लिविंग पर्सनैलिटी जो है वो हम हमें बायोलॉजिकल ह्यूमंस और जो लीगल फिक्शन है वो हमारी कंपनीज है ठीक है अब इसमें बहुत सारे लोगों की डेफिनेशन है हाँ, बोला है कि जल्दी जल्दी पढ़ते हैं सैविग्नी ने बोला है कि पर्सन इज द सब्जेक्ट और बियर ऑफ द राइट ठीक है हॉलैंड ने बोला है कि राइट नॉट ओनली रिसाइड इन अ पर्सन बट आर आल्सो अवेलेबल अगेंस्ट देम सिर्फ इंसान में रिसाइड नहीं करती बट उनके अगेंस्ट भी अवेलेबल है कैल्सन ने बात करी थी आइडिया ऑफ आइडेंटिटी एज अ पर्सन आगे बढ़ रही हूँ Kinds of क्या क्या होते हैं एक नेचुरल पावर लीगल लीगल पर्सन बॉन्ड बाई नेचर लिविंग एंड बॉर्ड अलाय होना चाहिए हॉलैंड ने एक्सप्लेन किया था एक्सेप्शन क्या है चाइल्ड इन वूम जो है, है कि नहीं है टेल मी इन द चैट बॉक्स चाइल्ड इन मूव इज अगल और नॉट तब तक आगे बढ़ते हैं ठीक है और मस्ट भी रिगार्डेड एज अ पर्सन बाय द स्टेट ये भी जरूरी है कि जो लीगल पर्सन है उसको लीगल रिकोगेट से मिले कुछ लोग होते हैं जिनको स्टेट रिकोगनाइज नहीं करती है एज अ लीगल पर्सन दे आर कंसिडर्ड सिविली डेड और दे आर नॉट पर्सन जैसे कि स्लेव हो गए जो एसेटिक जो संन्यास ले लेते हैं वो लोग जो है स्लेव है जो इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है उन सबको स्टेट पर्सन की तरह कंसिडर नहीं करती है लीगल पर्सन क्या चाइल्ड टेल मी अबाउट द चाइल्ड इज चाइल्ड अ लीगल पर्सन चाइल्ड को पर्सन माना जाता है चाइल्ड इन द वूम चाइल्ड इन द वूम को पर्सन माना जाता है या नहीं ओके okay. चलो दे दो तुम लोग अपने जवाब फिर मैं देती हूँ जवाब ठीक है फिर साइलमेंट पे आते हैं अच्छा चलो बता देती हूँ चाइल्ड इन वूम इज अ लीगल पर्सन

वो एक लीगल पर्सन के पास होती है फिर पर्सन के पास और कौन सी राइट्स होती है उसकी जो पर्सनल लीगल कंडीशंस है जो उसकी पर्सनल लीगल ऑब्लीगेशन एज बीइंग दैट फिर पर्सनल कैपेबिलिटीज और डिसेबिलिटीज होती हैं और मैन का पर्सनल लीगल ऑब्लिगेशन होता है ठीक है लीगल स्टेटस ऑफ एनिमल्स एनिमल्स और डेड बॉडीज डेड पर्सन का क्या लीगल स्टेटस है क्या एक डेड बॉडी का कोई लीगल स्टेटस होता है क्या एनिमल का कोई लीगल स्टेटस होता है ओके लेट मी नो क्या होता है एनिमल का और डेड बॉडी का डेड मैन का लीगल स्टेटस बताओ मुझे तब तक हम आगे पढ़ते हैं अब हम आ गए हैं लीगल पर्सन और जूरिस्टिक पर्सन पे सैलमन कहता है कि लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट पर्सनैलिटी लीगल पर्सन कौन है कोई भी सब्जेक्ट मैटर अदर देन द पर्सन टू हूम लॉ uh, कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसको लॉ पर्सनालिटी एट्रीब्यूट कर रहा है एनिमल्स जो होते हैं वो लीगल पर्सन नहीं होते हैं बट कोई जो उनका ओनर है उसके पास कुछ राइट्स होती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल जब एनिमल के साथ अननेसेसरी क्रूअल्टी की जाती है ठीक है जो डेड पर्सन होता है वो उसके पास उसको लीगल पर्सन नहीं माना जाता बट डेड पर्सन के पास भी तीन राइट्स होती हैं पहली होती है राइट टू हिज बॉडी जिसमें उसके डिसेंट बरियल की राइट right होती है दूसरी होती है राइट टू हिज की जो भी उसकी रेप है उसको अननेसेसरीली उसके मरने के बाद हैम्पर नहीं किया जाएगा और तीसरी होती है राइट टू हिज प्रॉपर्टी राइट टू हिज प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो भी उसकी विल या जो भी उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसका प्रॉपरली डिस्पोजल किया जाएगा ओके okay. ठीक है आ, अब सैलम ने बोला कि लीगल एक लीगल पर्सन क्या होता है जिस भी जिस भी सब्जेक्ट मैटर को स्टेट एक एक पर्सन की तरह रिकॉग्निशन दे दे उसको लीगल पर्सन बोलते हैं अब दो टाइप के लीगल पर्सन होते हैं एक होता है हमारा कॉर्पोरेट अग्रीगेट कॉरपोरेशन अग्रीगेट क्या होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल मिलके कंपनी बनाते हैं उसको कॉरपोरेट अग्रीगेट कहते हैं दूसरा होता है हमारा कॉर्पोरेशन सोल कॉरपोरेशन सोल क्या होता है जो वन पर्सन कंपनी होती है वो कॉर्पोरेशन सोल होता है वो इनहेरिटेबल uh, हेरिटेबल होती है ठीक है परपेचुअल सक्सेशन होता है कॉरपोरेशन सोल में ठीक है के जो अदर हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्राउन मिनिस्टर्स कारपोरेशन सोल यूनियन ऑफ इंडिया आइडल्स आइडल्स और जो हमारी गुरु ग्रंथ साहिब है ना उसको भी हम ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं ठीक है थीके? अभी यहाँ पे मुझे किसी ने बोला था कि जो uh, इडल होते हैं वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं राइट ठीक है, right? है? आइडल्स गुरु ग्रंथ साहेब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे जो मिनिस्टर्स एंड क्राउन्स हैं उन सबको हम ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं बट हम किसको को ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं मानते जो हमारी जॉइंट हिंदू फैमिली होती है जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है उसको हम यूरिस्टिक पर्सन नहीं मानते पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं है ठीक है यहाँ कंफ्यूज में तो ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं होता है ओके थ्योरीज ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी फिक्शन थ्योरी है फिक्शन थ्योरी दी थी सैविग्नी और सैलम और डाइसी ने उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेशन की खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती है उसकी खुद की कोई उसकी खुद की कोई एबिलिटी टू एक्ट नहीं होती है वो सिर्फ उतना ही एक्सरसाइज कर सकता है उतनी पर्सनैलिटी या उतनी राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है जितनी उसको लॉ ने बाय फिक्शन प्रोवाइड करी है ठीक है दैट इज फिक्शन थ्योरी लॉ ने फिक्शन से जो प्रोवाइड करा है उसी को आप एक्सरसाइज कर सकते हो फिर है कंसेशन थ्योरी इसमें बोलते हैं कि लॉ की स्टेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें सॉरी हाँ आ, सिमिलर टू फिक्शन थ्योरी कंसेशन थ्योरी बोलता है कि स्टेट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है टू रिकॉग्नाइज कॉरपोरेशन और जिन कॉर्पोरेशन को स्टेट रिकॉग्नाइज करेगी बस उन्ही कॉर्पोरेशन को हम एक ज्यूरिस्टिक पर्सनैलिटी या लीगल फिक्स या फिर हम एक हाँ लीगल पर्सन मानेंगे ठीक है दैट इज कंसेशन थ्योरी फिर रियलिस्ट थ्योरी आती है रियलिस्ट थ्योरी बोलती है ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करती है ये और बोलती है कि एक्चुअल में ना कोई भी कॉर्पोरेशन या ज्यूरिस्टिक पर्सन कुछ नहीं होता है वो सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है जिसके अंदर जो लोग हैं उनके पास राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एक कारपोरेशन के पास कोई राइट्स एंड ड्यूटीज नहीं है कॉर्पोरेशन आर लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड पोजेस नेचुरल राइट विच लॉ रिकोगनाइजेस एंड नॉट क्रिएट्स द ग्रुप हैज ए रियल माइंड विल एंड पावर ऑफ एक्शन उसके पास एक सॉरी मैंने अभी जो बोला वो गलत बोला मैंने सिम्पलिस्ट थ्योरी बता दी थी रियलिस्ट थ्योरी बोलती है कि जो कॉर्पोरेशन है उसके पास एक रियल माइंड है विल है पावर ऑफ एक्शन है वो खुद में एक प्रॉपर पर्सन है ठीक है एक ऑर्गेनिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही होता है पर्सन दैट इज रियलिस्ट थ्योरी फिर और ब्रैकेट थ्योरी आती है जो मैंने कहा कि उसके पास खुद का कोई माइंड खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल और उन ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दिया है या एक सिंबल लगा दिया है और उस पूरे ग्रुप को एक पर्सनैलिटी दे दिया दैट इज सिंबलिस्ट ऑफ ब्रैकेट थ्योरी कैल्सन और आयरिन ने दी थी इन्होंने कहा ओनलीस ऑफ देशन आरसन एंड पुट अराउंडिकलिटीड कारपोरेन डॉट है डिस्टिंग पर्सनैलिटी ठीक है दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज बिकॉज इट इज स्टैब्लिड दैट कॉर्पोरेशन हैज डिस्टिंक लीगल पर्सनैलिटी जो सिम्बॉलिस्ट ऑफ ब्रैकेट थ्योरी उस क्रिटिसिज्म है कि जो कारपोरेट है उसकी एक पर्सनैलिटी होती है ठीक है हम लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुंचने वाले हैं तो जितने भी लोगों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है ना जल्दी जल्दी कर दो ओके फिर पर्पस थ्योरी होती है पर्पस थ्योरी होती है कि ज्यूरिस्टिकॉट पर्सन एट ऑल दे आर सब्जेक्टलेस प्रॉपर्टीज मेंट फॉर पर्पसेस ये कहता है कि ज्यूरिस्टिक कोई पर्सन ही नहीं है उनको हमने सिर्फ किसी पर्पस को फुलफिल करने के लिए बनाया है ये है आपकी पर्पस थ्योरी ठीक है अब लास्ट चीज जो आज हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लाइबिलिटी लाइबिलिटी क्या है लाइबिलिटी दो टाइप की होती है एक होती है सिविल लाइबिलिटी एक होती है क्रिमिनल लाइबिलिटी सालमिन कहता है कि लाइबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज द बॉन्ड ऑफ नेसेसिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन द रोंग डूअर एंड द रेमिडी ऑफ द रोंग

कंपेंसेशन मिलता है डैमेज्ड साइन इंजुरिया में या इंजुरिया साइन डैमेज्ड में सबने टॉर्ट लॉ पढ़ा है बताना चैट बॉक्स में तब तक आगे बढ़ते हैं ठीक है फिर सिविल लायबिलिटी रिमेडियल नेचर की होती है जो भी रॉन्ग डूअर होता है उसको उसको ऑर्डर किया जाता है टू गिव टू गिव कंपेंसेशन या रिस्टिट्यूशन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसका एक uh, मैग्जिम है ओ बी जस्ट इी रेमेडियम वेर देर इज अ रेमेडी वेर देर इज अ क्या है इज अ राइट देयर मस्ट बी सम रेमेडी अगर राइट है तो वहां रेमेडी होगी ही होगी और इसके तीन एक्सेप्शन है बट सिविल सिविल लाइबिलिटी के तीन एक्सेप्शन है डैमनम साइन इंजुरिया इज डैमेज विदाउट डैमेज विदाउट इंजुरी डैमनम साइन इंजुरिया में कोई रिलीफ नहीं मिलता जिसने भी डैमनम साइन इंजुरिया बोला है गलत है

सिविल रेमेडी नहीं मिलेगी दूसरा होता है ड्यूटीज कैन नॉट बी स्पेसिफिकली वंस ब्रोकन एक बार कोई चीज ऑलरेडी हो गई जैसे कि डिफेमेशन का कुछ पब्लिश हो गया पब्लिश हो गया तो अब हम उसको स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट उसका नहीं कर सकते दैट इज अनदर एक्सेप्शन थर्ड एक्सेप्शन है स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जा सकती है कोई कॉन्ट्रैक्ट बट उसका हम आ, क्या है पर उसका इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते जैसे कि आपका सेक्शन 14 है ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का अगर किसी ने भी पढ़ा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और किसी को भी पता है तो जो थर्ड एक्सेप्शन है ये उसी का है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है बट कोर्ट के पास पावर नहीं है या कोर्ट उस पोजिशन में नहीं है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सके जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो पार्टीज के पर्सनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंडेंट है अगर किसी को पेंटिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो उसका तो हम किसी और से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते या इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो भी एक एक्सेप्शन है सिविल रेमेडी के तीन एक्सेप्शन हो गए इम परफेक्ट ऑब्लिगेशन जैसे कि टाइम बार देट दूसरा हो गया ऐसी ऐसी रेमेडीज इनका स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं करा सकते जो ऑलरेडी रॉन्ग हो चुका है लाइबल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है डिफेमेशन ऑलरेडी हो चुका है उसको वापस नहीं लिया जा सकता सिर्फ कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है तीसरा है जो कि स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है बट कोर्ट के पावर में नहीं है स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट कराना ठीक है अब हम आते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटीज क्रिमिनल लाइबिलिटीज में क्या होता है पनिशमेंट दिया जाता है ये इसका मैक्सिम uh, है एक्टिस फिजिकल मतलब, uh, मतलब या मटेरियल कंडीशन और मेंस रिया मतलब मेंटल कंडीशन या कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी ओके रिया तीन टाइप्स का होता है एक होता है मतलब 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 दूसरा होता होता कल्पा, कल्पा मतलब होता है और साइंटर, सिंप्लिसितर, साइंटर, सिंप्लिसितर का मतलब होता है है का का और सिंपल नॉलेज तीनों सिचुएशंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज हो सकती है अगर आपके पास थोड़ा भी मेंस रिया है तो ठीक है और बिना मेंस रिया के भी कुछ सिचुएशंस में क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है कौन से सिचुएशंस में बिना मेन्स रिया के क्रिमिनल लाइबिलिटी अराइज होती है कोई बताओ मुझे चैट बॉक्स में जब तक हम इसे खत्म करते हैं ठीक है अब क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी के बीच में डिफरेंस क्या है क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी सिविल लाइबिलिटी इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल क्रिमिनल लाइबिलिटी में रेमेडी होती है पनिशमेंट सिविल लाइबिलिटी में रेमेडी होती है डैमेजेस यहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है सिविल प्रोसीडिंग्स होती है ऑब्वियसली लाइबिलिटी मेजर की जाती है बाय द इंटेंशन ऑफ द रोंग डूर यहाँ पे इंटेंशन से लाइबिलिटी मेजर की जाती है क्रिमिनल के केस में और सिविल के केस में एक्ट के थ्रू लाइबिलिटी मेजर की जाती है कि एक्ट क्या है बट इसके दो एक्सेप्शन है पहला ये है कि अगर कोई भी रॉन्ग हुआ है अगेंस्ट द स्टेट और सोसाइटी तो इट इज नॉट ऑल रॉन्ग अगेंस्ट स्टेट और सोसाइटी आर नॉट कंसिडर्ड एज क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी जो हमने बोला था कि क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है इसका एक एक्सेप्शन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है विथ द स्टेट तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल लाइबिलिटी इट इज स्टिल अ सिविल लाइबिलिटी और दूसरा एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी सिविल प्रोसीडिंग्स में भी क्रिमिनल पनिशमेंट मिल जाती हैं या फिर पीनल uh, पनिशमेंट मिल जाती हैं जैसे कि अगर डिसोबीडियंस किया है किसी इंजंक्शन का तो उस सिचुएशन में आपको पनिशमेंट मिल जाती है ठीक है दिस इज इट फॉर टुडे गाइज आई थिंक हमने स्कूल ऑफ लॉस कवर करे हमने डेफिनेशन कवर करी और हमने जो तीन टाइप के हमारे जूरल रिलेशन होते हैं वो सब कवर करें राइट्स एंड ड्यूटीज करी पजेसन और ओनरशिप करा हमने लीगल पर्सनैलिटी करी और फिर हमने लाइबिलिटी को भी पढ़ा ठीक है ऑल राइट right. एक चीज जो मैंने पूछी थी, थी ना अभी अनलॉफुल असम्बली किडनेपिंग डेथ ड्यूटी वॉट गाइज नो इन सब के लिए इंटेंशन चाहिए जो भी आप लोग लिख रहे हो इंटेंशन के बिना सिर्फ एक ही चीज है जिसमें आप क्रिमिनली लायबल हो सकते हो दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वहां पर इंटेंशन नहीं देखा जाता ओके okay? वहां पर बिना मेन के भी लायबिलिटी अराइज होती है और आपको क्रिमिनली लायबल किया जा सकता है ठीक है गाइस ओके दिस इज इट फॉर टुडे चलो ऑल द बेस्ट लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर से बोल रही हूँ ठीक है एंड डू वेल इन योर एग्जाम ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हैप्पी लर्निंग किसी को कोई लास्ट मिनट डाउट तो नहीं था बहुत डर लग रहा है बेटा अच्छे से रिविजन करो आराम से हो जाएगा डोंट गेट टू एंशियस डोंट गेट अननेसेसरीली परेशान मत हो स्ट्रेस मत लो सब अच्छा ही होगा सब लोग बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में ठीक है परेशान मत हो और किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ठीक है चलो बाय बाय गाइस टेक केयर ऑल द बेस्ट हैप्पी लर्निंग बाय